लोकायत में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के प्रख्यात आदिवासी समाज के लिए कार्यरत ग्लैडसन डुंगडुंग से बात कर रहे हैं। ग्लैडसन ने झारखंड के अंदर आदिवासी अस्मिता के संघर्षों पर बहुत लिखा है और दुनिया भर में उनको जाना जाता है। आज हम झारखंड में आदिवासी वन अधिकार के संघर्ष के लिए, अस्मिताओं के संघर्ष के लिए उनसे विस्तारपूर्वक बात करेंगे। ग्लैडसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार। जोहार। आपकी जो अभी लेटेस्ट किताब आई है एंडलेस क्राई द रेड कॉरिडोर, इसमें क्या आप निकाले हैं? व्हाट इज द लाइक आउटकम ऑफ द बुक? इसमें जो है कि हम ये बताना चाहते हैं इस देश के शासक लोगों को, आम लोगों को, उसके साथ साथ दुनिया को भी कि ये जो रेड कॉरिडोर है ना, जो आपका नेपाल से निकलती है, वहां से आते, हाँ, आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश जाती है जी। तो ये जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लोग कह रहे हैं, इसको बोलते हैं कि रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर मतलब ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो नक्सली है, मोइस्ट है, लेकिन इसका अगर इंडिया का मैप आप उठा के देखिए तो वो मैप में क्या दिखता है, ये ओवरलैपिंग दिखेगा। यहाँ पे पूरा आदिवासी इसी कॉरिडोर में रहते हैं, जंगल इसी कॉरिडोर में है, खनिज संपदा इसी कॉरिडोर में है, और इसी कॉरिडोर को ये लोग नक्सली बोल रहे हैं जी। तो इसको मैं देखना चाह रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तब मुझे दिखाई दिया कि ये जो रेड कॉरिडोर बोल रहे हैं, रेड कॉरिडोर इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को निकालना है, लूटना है और दुनिया में बेचना है। और ये 2008 में मैंने देखा कि 2008 में एक ब्रिटिश कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उसको भारत सरकार ने स्टडी करने के लिए दिया था कि हमारा जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो उसी एक्सीक्यूशन नोबेल लिमिटेड जो है, उसने इनको बताया कि आपका ये जो रेड कॉरिडोर जो है, इसमें पूरा जो है कि बिजनेस आपका अटका हुआ है। बिल्कुल, अगर इसको आप क्लियर कर देंगे तो आपका जो इकोनॉमी जंप करेगा। तो जीके पिल्ले साहब ने उनको प्रॉमिस किया, बजाबते सब रिटर्न है, उन्होंने कहा कि हम 2013 तक रेड कॉरिडोर को खाली करा देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, ये उनका प्रॉमिस था। और इसी के तहत आप देखिएगा कि 2,00,000 जो है कि पैरामिलिट्री फोर्स को इस एरिया में भेज दिया गया। और जब इन्होंने भेजा तो आदिवासियों कितना मारा इन लोगों ने, कम से कम ये पूरा 3 स्टेट का सिर्फ आप देखेंगे, इस किताब में मैंने जिक्र किया, तो पूरा डिटेल है कैसे एक आदिवासी को नक्सली बोल के इन्होंने हत्या किया। और बाद में हम लोग फैक्ट फाइंडिंग किए तो पता चला कि ये तो निर्दोष आदमी है। कम से कम 1,000 आदिवासी उनको जाके निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बोल के मार दिया। लगभग 500 आदिवासी महिलाएं जिनके साथ या तो यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, इस टाइप का है। लगभग 27,000 आदिवासी लोग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जेल में नक्सली बोल के डाला गया। तो इसी को मैं उनको बता रहा हूँ कि देखिए ये जो रेड कॉरिडोर में कैसे किस तरह से एंडलेस क्राई है, लोग जो लोगों का रोना जाए कि रुक नहीं रहा, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब नक्सलवाद का बात आप करेंगे कहीं भी जी, पूरे देश में नेशनल डिबेट में, टेलीविजन डिबेट में, कहीं भी आप देखिए नक्सलवाद बोलेंगे कि नहीं उसका मूल कारण है आदिवासी लोग गरीब हैं, वहां पे विकास नहीं पहुंचा, ये हवा हवाई वाला बात, वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वो मुद्दे हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है, इशू ऑफ इनजस्टिस जी, उसको कह सकते हैं इशू ऑफ जस्टिस भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल, इशू ऑफ जस्टिस पर ये लोग बात नहीं करता है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक आदमी को आप जो है कि उसका कोई भी सदस्य को एक परिवार का मार दिए हैं या इनकी किन्हीं के साथ आपने अत्याचार किया है, आपको लगता है कि वहां पे उनका गांव में रोड बना देने से या फिर बिजली लगा देने से उनका दर्द खत्म हो गया, या फिर उनको जो है कि कॉम्पनसेशन में 5,00,000-6,00,000 रुपया देने से खत्म हो जाएगा? मैं तो बोलता हूँ सीधे तौर पर भारत सरकार जो है आदिवासियों को हत्या करके उनका जो है कि लाश खरीद रहे हैं। आज देखिएगा कि एक नक्सली बोल के मार दिया, कल को पता चला कि नहीं वो निर्दोष थे। आपको छत्तीसगढ़ में याद होगा जब पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर थे, 18 आदिवासियों को मार दिया, बाद में पता चले ये तो निर्दोष थे, तब पी चिदम्बरम क्या बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी बोलने से होता है, बाद में 5,00,000 रुपया दे दिए। तो ये क्या कर रहे हैं आप लाश नहीं खरीद रहे तो क्या कर रहे हैं? निर्दोष आदिवासियों को मारेंगे और उसका जो है कि कॉम्पनसेशन देंगे, और कोई जांच नहीं, पता भी चल रहा है। बढ़निया का घटना आपको मैं बताता हूँ, झारखंड का 2009 का, उस समय में लोकसभा चुनाव के समय में सीआरपीएफ जा रहे थे, उनको जो है कि नक्सली अटैक किए, बाद में जो है ये क्या कि बढ़निया गांव गए, 5 निर्दोष आदिवासी उनको पकड़ा, उनको बोला कि चलिए हम लोग को एंटी नक्सल ऑपरेशन में मदद करने के लिए, वो लोग गए घाटी में ले जाके गोली मार दिया।
और बोला ये लोग नक्सली थे, ये लोग बड़े नक्सली थे। ये नहीं लगता कि पूरे एक डिबेट जो अनफॉर्चुनेटली चिदम्बरम साहब के टाइम से जो है ये पूरा ऐसा चिदम्बरम ने कर दिया, या उसके बाद से जो हमारे जो मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने आदिवासी और माओइज्म को जो है एक दूसरे का सिनोनिम बना लिया। नहीं, उसी को मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। ऐसे इस घटना को आप सोचिए कि जांच हुई, कमिश्नर ने जांच किया, प्लम कमिश्नर, उसमें आ गया तथ्य कि ये सारे पांचों आदिवासी निर्दोष थे। उसके बाद क्या होता है, पांचों लोगों को जो है कि एक एक परिवार को जो है पैसा दे, 5-5 लाख रुपया दे दिया, उसके बाद नौकरी देंगे बोला उसके। लेकिन जिन्होंने हत्या किया उस पे कुछ कोई कार्रवाई नहीं, उसमें कमिश्नर ये लिख रहे हैं रिपोर्ट में ये निर्दोष थे, लेकिन कौन हत्या किया ये पता नहीं। बताइए, ये स्टेट अपरेटस की इसी को कह रहे हैं। तो ये जो आप अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं ना, यही नक्सलवाद का मूल जड़ है। और यही मैं इनको इसमें बता रहा हूँ कि आप दोहरा चीज मत देखिए, उसमें कई चीजें। दूसरे तरफ आप देखिएगा आदिवासी निर्दोष आदिवासी, कोई नक्सली आए गांव में खाना खिला दिया, रहने दे दिया, उस पर कार्रवाई करेंगे। और लेकिन उसी तरफ जो है कि माइनिंग कंपनी झारखंड का सरंडा जंगल, जिसके बारे में मैंने मिशन सरंडा किताब लिखा, उसमें मैंने प्रूव कर दिया कि सरंडा जंगल जहाँ पे सरकार बोलती है वहां पे हम नहीं जा सकते, आंगनबाड़ी नहीं चला सकते, स्कूल नहीं चला सकते, रोड नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं था। हम गए तो वहां पे जो है कि इतना स्लिपरी रास्ता था कि हम 3-3 बार मोटरसाइकिल से गिरे। वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, अंदर जाके माइनिंग कंपनियां जो है कि माइनिंग कर रहे हैं। तो जहां पे स्टेट कुछ नहीं कर सकता भाई, वहां माइनिंग कंपनी माइनिंग कैसे कर रहे हैं। अब रिपोर्ट आया कि ये सारे माइनिंग कंपनी कोई 50 लाख, कोई जो है कि 25 लाख पैसा दे रहे हैं माओवादियों को। और उतना ही नहीं, वो जो है कि हथियार भी दे रहे हैं। पुलिस जितना रेड किया, पैरामिलिट्री रेड किया, उसमें एक डिटोनेटर मिला माओवादियों के कैंप में सरंडा जंगल में। तब हमने देखा कि ये डिटोनेटर कौन उपयोग करता है, ये डिटोनेटर एक्चुअली माइनिंग कंपनी वहां पे माइनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो डिटोनेटर माइनिंग कंपनी उपयोग कर रहे हैं वो माओवादियों के हाथ में कैसे चला। तो ये सारा आईबी के पास रिपोर्ट है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और आपको याद होगा जब ये मसला बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर आया तो पी चिदम्बरम क्या बोले, बोले कि स्टेट जब तक उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा वो अपना सुरक्षा के लिए माओवादियों को ले भी देंगे। तो आप इसमें जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वही एक आदिवासी जो गन पॉइंट पर उसको खाना खिला रहा है उसको आप जो है कि पकड़ के जेल में डाल लेते हैं। उनके तो आदिवासी तो सैंडविच क्यों बने उसी को मैं कह रहा हूँ। तो ये जो स्टेट का सिलेक्टिव एक्शन है ना, हर समय आप सिलेक्टिव एक्शन में जाएंगे तो कैसे होगा। जितनी जगह पे छत्तीसगढ़ में झारखंड में जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पर पूरी पैरामिलिट्री का जो फोर्सेज है वो सब स्कूल और हॉस्पिटल के किनारे जो बिल्डिंग से उनमें रह रहे हैं। सही, तो पता पता बच्चों के स्कूल जाने के लिए नहीं है। और इधर से जो है इनका जो तथाकथित नक्सल्स है या माओइस्ट है उसका दोनों का प्रेशर है। तो लोग तो जो है पुलिस जो है शायद हर एक आदिवासी को जो है नक्सल बना करके वो जबरदस्ती उसके उसमें घुसा रही। सही सही, तो इसका अगर आप जाएंगे तह पर तो ये समझ में आता है कि मूल लड़ाई ये नक्सलवाद का नहीं है, मूल लड़ाई संसाधन को लूटने का है। जो मैंने मेरा बुक मिशन सराना में ये साबित कर दिया कि इंडियन स्टेट अगर नक्सलवाद के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सारे रिसोर्स बेल्ट में ही लड़ाई लड़ रहा है। इसे ये पूरा स्पष्ट है कि ये आदिवासियों को मार के उनका जंगल जमीन खनिज संपदा सारा कुछ ले लेना चाहते हैं। उसको एक अंग्रेजी में कहावत भी है जो ये कहता है, उसको हिंदी ट्रांसलेशन हम कह सकते हैं कि अगर एक कुत्ता उससे आपकी दुश्मनी है तो उसको पागल घोषित कर दीजिए, मार दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। तो यही हालत ये आदिवासियों के साथ कर रहे हैं। अगर एक बार आप नक्सली बोल देते हैं तो गांव वाले बाकी लोग डर जाते, सवाल नहीं पूछा जाता है। स्टेट हैज द राइट टू किल, क्योंकि आप जहां भी आप सवाल पूछेंगे आपको कहा जाएगा आप एंटी स्टेट हैं, आप जो है कि नक्सलियों का हमदर्द है। हम मुझे नहीं कहा गया। एक बड़ी अफसोसनाक बात जो है वो जो ये हो रही है, इसमें जो थोड़ा बहुत साइड पे बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स है वो भी डिबेट में करते हैं, विकास तो चाहिए चाहिए। हाँ। मतलब ये जो बार बार सवाल खड़ा किया जाता है, चिदम्बरम ने बोला कि विकास तो चाहिए, वी डोंट वांट टू कीप आदिवासी हंटर गैदरर। ये क्वेश्चन ये उसने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि आदिवासी कोई म्यूजियम में रखने वाले लोग नहीं है। बट मैं हम जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि आदिवासी का विकास कैसे होना चाहिए, आप क्यों बता रहे हैं। नहीं, वो भी है, एक तो है कि आप आदिवासियों का विकास के बारे में क्यों बोलेंगे, आप अपने बारे में पहले सोचिए। दूसरा बात है, मूल सवाल यह है, ठीक है आपका विकास को हम मान लेते हैं, लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करता हूँ इसीलिए अगर आप विकास करना चाहते हैं आदिवासियों के इलाके में, इसलिए आप ये कर रहे हैं, तो ये तो हमें बता दीजिए कि सरंडा जंगल जहाँ पे 1925 में माइनिंग शुरू हुआ
प्रतिवर्ष जो है कि 3,000 करोड़ रुपये का वहां पे आयरन और निकालती है सरकार, तो भी आदिवासियों का वहां पे जो आदिवासियों के लिए ना अच्छा सड़क है, ना वहां पे जो अच्छा स्कूल है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, क्यों नहीं है भाई? आज भी है कि सरना जंगल का जो है 70% आदिवासी महिला खून की कमी से क्यों जूझ रहा है, वहां का 80% आदिवासी बच्चे 5 साल से नीचे, उनका पेट जो है फुला हुआ है, वो मालनरिस क्यों है जब आप विकास के नाम पर वहां खनन कर रहे हैं 1925 से? इसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल यह है कि जब आदिवासियों का खेत डूबा के, मेरा भी खेत डूबाया, हमारा खेत डूबा कर आप जो है कि वहां से बिजली बना रहे हैं, वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हमारे खेतों में पानी क्यों नहीं जा रही है, हमारे गांव में बिजली क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल का जवाब कौन देगा कि हम खाली डूबते रहेंगे और आप जो है कि दूसरे लोग एस वॉश करेंगे और दूसरे जो एसी में रहने वाले लोग जो है कि हमें डेवलपमेंट का थ्योरी देंगे? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम, मेरा सारा जमीन जो है कि डूब गया, आज भी उसकी वजह से हम तो पूरा यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, हाँ, तो हमारा ये हालत आपने कर दिया, किसके लिए आप विकास कर रहे हो? जितना शहर में रह रहे हैं, जिन्होंने 1 इंच जमीन नहीं दी है, वो आजकल बहुत बड़ा बड़ा फिलोसफी देते हैं डेवलपमेंट का, ये तो नहीं चलेगा बहुत दिन तक। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जो है कि डेवलपमेंट यही कर रहे थे रघुवर दास जी, कि नहीं हम CNT और SPT एक्ट जो है कि आपके विकास के लिए संशोधन कर रहे हैं, हमने उनको चैलेंज दे के कहा, आप कहते हैं कि CNT और SPT एक्ट विकास विरोधी है, तो आज झारखंड में 15,000 करोड़ का खनन हर साल कैसे जा रहा है? कोयला आप निकाल रहे हैं, आयरन और निकाल रहे हैं, यूरेनियम निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, वही अनुसूचित क्षेत्र में जी। उसके साथ साथ पिछला आजादी से लेके 1950 से लेके अगर 95 तक आप देखेंगे तो झारखंड में 14,99,000 एकड़ जमीन जो है कि आदिवासियों का ले लिया। जब ये दोनों कानून आपको प्रतिबंध करता है तो कैसे आप ले लिए? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। इसी तरह आप देखिएगा यहाँ मित्तल के लिए 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार, जब वो बीजेपी के CM थे, उस समय में 25,000 एकड़ जमीन के लिए MOU हुआ। तो एक इंटीग्रेटेड प्लांट जो है 12 MP के लिए आपको 25,000 एकड़ जमीन क्यों चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा हमेशा सवाल है कि जहाँ जो है 500 एकड़ में काम चलता था, 50 एकड़ में चल सकता है, वहाँ के लिए 10,000 एकड़ ले रहे हैं। तो आप आदिवासी को खत्म करके वहाँ आपको जाके मित्तल का एम्पायर बनाना चाहेंगे, टाटा एम्पायर? अब ये टाटा एम्पायर के साथ साथ लोगों की एक साजिश होती है कि ये ज्यादातर उसको रियल एस्टेट पर कन्वर्ट करना चाहिए, और तब बाहर से लोगों को बुला करके पूरा डेमोग्राफिक पैटर्न। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पर उठा रहा था कि 28 सीटें यहाँ रिजर्व है आदिवासियों के लिए और 9 सीटें यहाँ दलितों के रिजर्व है। ये स्टेट जो है वो आदिवासी स्टेट है और अपने ही स्टेट में आदिवासी जो माइनॉरिटी हो गया, मतलब 50% से लेस उसकी वो हो गई है। और इसका मतलब है कि अगर आदिवासी बहुल स्टेट होता तो रघुवर दास आके मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। देखिए है क्या ना, शुरू से इनका ये रहा, एक तो आप देखिएगा कि इनका पूरा इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट का आप देखिएगा, चाहे वो कांग्रेस की हो बीजेपी, किसी को फर्क नहीं पड़ता, इनका पूर्ण रूप से है कि आदिवासियों को खत्म करो। क्यों खत्म करना है? इसलिए इन्होंने आजादी से लगातार, जो आजादी के बाद से जब इंडियन स्टेट, भारत सरकार इंडियन स्टेट में हमारे लोग बैठे, तो इन्होंने क्या सिस्टम बना दिया, ये प्रोग्राम आप देखिएगा हमेशा बोलता है दलित और आदिवासी को मुखधारा मिलाना है। क्या है मुखधारा? मुखधारा मतलब मेन स्ट्रीम, मतलब आप अपना सब कुछ छोड़ो और हमारे तरह आ जाओ और हम जितना कुकर्म कर रहे हो भी तुम भी करो। तो हम अगर महिलाओं को जो है दहेज की वजह से हत्या कर रहे हैं तो तुम भी करो, अगर हम अपने महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं तुम भी करो, और भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो तुम भी करो। तो आदिवासी समाज में कहीं बलात्कार जैसा कोई चीज नहीं था, आज आ गया है। तो मैं लड़कों को बोलता हूँ कि तुम जो मुखधारा में आ गए तो अपने बेटी बहन से बलात्कार करो, क्योंकि इंडियन स्टेट यही जाता है। तो मुखधारा के नाम से एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन, एक अंग्रेजी का शब्द है, एसिमिलेशन मतलब आप मिल जाइए। तो ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज उनमें मिल जाए और उसी जैसा हो जाए, अस्मिता खत्म हो जाए। तो हमारी जो मेन लड़ाई अस्मिता की, जो सुप्रीम कोर्ट भी आप 2011 में आप याद करते होंगे 5 जनवरी 2011 को कहा कि आदिवासी लोग इस देश का जो है मूल निवासी है, इंडिजिनस पीपल है। हाँ, तो ये इनको इसी से डरता है, ये सारा कुछ को खत्म करना चाहिए। पूरा ये आपने पॉइंट बहुत बड़ा रखा है कि जो आदिवासी शब्द है विच इज एक्चुअली कन्वर्टेड इंडिजिनस पीपल, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, हर जीवन के उसमें है, दुनिया भर में जो है बड़े बड़े देशों में जो है लोगों ने माफी मांगी हुई। मैं कनाडा में हुआ, पार्लियामेंट के अंदर, न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंक्लूडिंग इंग्लैंड में भी हुआ। ये इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिजिनस शब्द को इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? पहले आप देखिएगा तो अबोरिजिनल शब्द उपयोग किया जाता है, अबोरिजिनल पहले, और
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बड़ा डिबेट हुआ और हमारे जो मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा, मैं आज भी बोलता हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा जैसा आज तक आदिवासी समाज में ऐसा कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, इतना बड़ा नेता नहीं हुआ जो सही जगह पे सही चीज को रेज किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट में बहुत स्पष्ट बोल दिया कि हमें जो है आदिवासी शब्द से और कुछ भी मतलब उससे कम कुछ नहीं चाहिए, संविधान में आदिवासी शब्द चाहिए और संविधान का अनुच्छेद 13 में जो है उसका सब क्लॉज 5 में आदिवासी शब्द डाला हुआ था अपुर्जिन, लेकिन इसमें जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी शब्द है। इसमें कई एक लोग डिबेट में ये भी बोलते हैं कि शायद उनको उस समय में डर लग गया कि अगर मान लीजिए कि आदिवासियों को इंडिजिनस अपुर्जिन कह दिया जाएगा तो हमारे जो है कि दलित लोग फिर वो कास्ट में हैं तो उधर चले जाएंगे या क्या होंगे, लोग चर्चा करते हैं आपस में। हकीकत में अंदर में क्या है वो तो मतलब उस टाइम में जो लोग डिबेट में थे वो बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जस्टिफाई किया बाबा साहब अम्बेडकर ने इस शब्द को, उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, ये अनटचेबल शब्द जैसा ही। तो मुझे लगता है कि शायद इसका कोई रेफरेंस है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट में आप उठा के देखिए उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द और अनटचेबल दोनों एक ही तरह के शब्द है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। और इसके तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ जब वो खुद ही इतना ज्यादा प्रताड़ित हुए थे तो उनका जो है कि आदिवासियों के प्रति या तो उनको समय नहीं मिला आदिवासी समाज को समझने के लिए या फिर वो अध्ययन नहीं किए क्या किए। देखिए वो चीज इस चीज में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जानते हैं, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि एक जगह कहीं पर रेफरेंस में जब वो भाषण देते हैं तो वो ये कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि ये अनसिविलाइज आदिवासियों का विकास करे, तो ये जो अनसिविलाइज जैसा शब्द उनके दिमाग से आता है। देखिए ऐसा तो मुझे लगता है कि शायद आप बता पाएंगे, आप उनके ज्यादा बड़े होंगे तो ऐसे उनके मन में इस क्यों इतना नेगेटिव आदिवासियों के प्रति। नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव नहीं था, एक तो पहले डॉक्टर अम्बेडकर अपने ही संघर्ष में उनका मेन जो संघर्ष था उसमें दलितों को सम्मान दिलाने का था, उनको लाने का था, छुआछूत का शिकार भी दलित आदिवासी तो आइसोलेशन का शिकार था लेकिन छुआछूत का नहीं। तो एक तो बेसिक पॉइंट तो ये था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो डिबेट जरूर हम लोगों को सामने लानी चाहिए। मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अम्बेडकर और क्योंकि यही दो लोग नहीं थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बड़ी असेंबली है जिसमें सारी डिबेट्स हैं, तो मैं इसके लिए पूरे ब्लेम में डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि मैं एक्चुअली ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अश्विनी कुमार जो लग रहा था अश्विनी कुमार पंकज ने किताब लिखा है उसमें इन सब चीजों उनसे भी बात की थी, लेकिन मेरा उनको यही कहना था कि देखिए आप जो है क्योंकि जब सबके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए राइट्स की बात हो रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर उस राइट्स के लिए तो किसी के साथ भी खड़े थे, इनफैक्ट इवन ओबीसी के राइट्स के लिए। लेकिन इसमें मैं इस बात को ही मानता हूँ गलत मानता हूँ क्योंकि आदिवासी कास्ट है नहीं कास्ट तो उनको जो अनुसूचित जनजाति जो डाल दी है ना ये शेड्यूल ट्राइब है तो जन लिखना चाहिए था, अनुसूचित जन जनजाति जैसे आप लिख देते हैं ना। आज आप देखिए कि सब जो है कि आदिवासियों को जाति सर्टिफिकेट, आप ब्लॉक जाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा हमको जाति सर्टिफिकेट चाहिए, तो जब आप जाति में है ही नहीं उस व्यवस्था में तो आपको जाति प्रधान क्यों बना। ये बात जरूर है लेकिन ये टेक्निकलिटीज का मेरा जहां तक ख्याल है ये जो प्रश्न जो रहे होंगे ये टेक्निकलिटीज के ज्यादा रहे होंगे सर, लेकिन ये जो जाति शब्द ना ये इंटेंशनल नहीं रहे हैं, इनको जो भी हो इनको होना चाहिए आदिवासी जन का सर्टिफिकेट दीजिए या आदिवासी जो है कि नस्ल का सर्टिफिकेट कुछ ऐसे देना चाहिए। मैं इसमें दो चीजों को आदिवासियों के प्रश्नों पर क्योंकि मैं इसमें ये मानता हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थे उस वक्त जो थे अम्बेडकर तो अकेले पड़ गए क्योंकि वो जितना राइट्स दिला सकते थे या वो हिंदू कोड बिल का सवाल लेटर आया या और सवाल आया क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन था वो फ्यूडल था पूरा, राजा महाराजा उसके अंदर थे और उनके सबके स्टेक फॉरेस्ट लैंड में। आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ उत्तर प्रदेश जैसी जगह में बड़ी संख्या में आदिवासी जो आदिवासी कैटेगराइज होंगे शेड्यूल कास्ट कैटेगराइज होंगे और ये पूरा जो है उनको सीधे सीधे जो मैं आज भी पूछता हूँ थारू हमारे यहाँ है बोक्सा जनजाति है वो बिल्कुल पीजी प्रिमिटिव उसमें आगे क्या बोलते हैं जो बहुत उनकी तादाद एक राजी है जो मेरे ख्याल से हजार उनकी आबादी केवल है आज के लिए। तो ऐसे लोगों को जब क्योंकि उस स्टेट में गोविंद वल्लभ पंत भी थे उसमें नेहरू भी थे उसमें और भी सारे लोग थे जो फॉर्मेशन में
और जयपाल सिंह मुंडा भी अकेले पड़े थे जब वो कई चीजों को बोल रहे थे, कभी फोर्सफुल डिबेट हो रही थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक इंडियन स्टेट की एक टोटल फेलियर है इस चीज को समझने में कि आदिवासियों के जो इश्यूज हैं वो बहुत जैसे दलितों के इश्यूज थे। फॉर्चुनेटली जो है डॉक्टर अम्बेडकर बड़े फोर्सफुली उसको रख पाए। और इसमें ये आप समझ कह सकते हैं कि समझने में भूल नहीं हुई, ये समझना ही नहीं चाहता मतलब आदिवासियों को या दलितों को चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उतना फोर्सफुली उठाए। हालांकि अगर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का डिबेट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयपाल सिंह मुंडा भी बहुत जबरदस्ती उठाए, ऐसे नहीं कि नहीं उठाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप आदिवासियों को डेमोक्रेसी आप सिखा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना है, क्योंकि आदिवासियों का तो खून में लोकतंत्र है। वो जो है कि बैठ के अपना नेता चुन लेते हैं, उनसे या वहाँ पे बैलेट पेपर का उपयोग नहीं होता, उनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक धरती में कोई है नहीं। ऐसा क्या होता है कि उस जमाने में, एक और भी कॉन्टेक्स्ट में आपको देना चाहता हूँ, चाहे वो नेहरू हो चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, जो वेस्ट से पढ़ के आए थे लोग, इवन जयपाल सिंह भी वेस्ट से पढ़ के आए थे, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पर जो है जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म सोशलिज्म जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वही कॉलोनाइज भी किया दुनिया को। भाई एक तरफ हम उन्हीं से सीख रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कॉलोनाइज भी उन्होंने ही किया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में जो रहने का जो था कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को हम बोल रहे हैं कि दिस इज द डेमोक्रेटिक नॉर्म और ये हमारा रोल मॉडल हो गया। आज एक्चुअल में जो कचरा हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी का, वो ये रोल मॉडल कचरा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कभी ये हो सकता है कि लोगों को लगे कि आदिवासी, जैसे पहले शब्द था एबोरिजिनल भी जो है वो नेगेटिव टर्म था एक्चुअल में, और जैसे प्रिमिटिव लोग बोल देता है कि भाई प्रिमिटिव लोग है, जैसे कि प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल अनसिविलाइज्ड। मूल जो है एबोरिजिनल नेगेटिव टर्म भले हो, लेकिन एबोरिजिनल में बाद में इन लोगों को मुश्किल हो गया। बिल्कुल, कि एबोरिजिनल बोले मतलब कि वो वहां का मूल है, आप बाद में आए हैं। अरे तो कभी जब हमेशा, इसलिए मैं बोलता कि आदिवासी को शुरू से इन लोगों ने ऐसे दिखाया कि ये तो इंसान ही नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, आता नहीं तो बाद में, लेकिन ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो जानवर का जो है कि थोड़ा सा ऊपर हल्का सा डेवलपमेंट जानवर से हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखिएगा कि आदिवासी क्वेश्चन आज भी अगर आपका सेंट्रल स्टेज में नहीं है, उसका कारण यही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र है, ज्यादा दिन का नहीं, 4-5 साल का कहानी है। वो पटना में गए स्कूल में पढ़ाने के लिए। जब वो स्कूल में पढ़ा रहे थे तो वहां तो आदिवासी लोग नहीं है पटना में, सब जो है कि दूसरे लोग हैं। तो उन्होंने पूछा, पटना में, यूपी में, बिहार में लोग यूजुअली कास्ट पूछते हैं, जाति आपको कौन जाति से वगैरह वगैरह। तो उनको उन बच्चों ने पूछा तो बोले मैं तो आदिवासी हूँ। तो बच्चे जो है कि सरप्राइज हो गए, 7वां 8वां 9वां के बच्चे बोल रहे हैं, आप मैडम आप कैसे आदिवासी हैं? आदिवासी लोग तो नंगा रहते हैं, जंगल में रहते हैं, अर्धनंगा रहते हैं, फल फूल खाते हैं, शिकार वगैरह करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि आज के बच्चे, उनके मन में ये कैसे बैठ के रहा है। इंडिया स्टेट वही बात कर रहा ना कि जिस प्लेट से आप जो बात कर रहे हैं वो बात वहीं पर ही आ रही है। हाँ। कि लोग ये कहते हैं, जो चाहे वो, जैसे हम जब अम्बेडकरवादी आंदोलन का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें बोलते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति आ गई लोगों में, क्योंकि उन्होंने डीलिंग किया अपने पास्ट, जिस पास्ट को बोल रहे थे कि हमारे पर ब्राह्मणिकल पास्ट है। तो क्या ये कहीं हम ये समझ में भूल तो नहीं करते कि आदिवासी को भी अपने पास्ट से डीलिंग करना चाहिए? नहीं, डीलिंग का सवाल नहीं, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासी तो कोई जाति व्यवस्था में तो है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा तो हमको कुछ चीज से डीलिंग करने का जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी आप देखिएगा आदिवासी फिलोसफी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, यही मेन कारण रहा जिसकी वजह से जो है आदिवासी को लुक डाउन किया गया। उसको हमेशा नेगेटिव टर्म, आदिवासी अगर कोई भोजन खाता है ये पिछड़े पान का निशानी। उदाहरण के लिए आप देखिए मड़ुआ, आदिवासी लोग ये तो पिछड़े पान का है, ये मड़ुआ खाते हैं। धीरे धीरे जो आदिवासी मड़ुआ खाना छोड़ दिया वही समझ के, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज डॉक्टर जो है कि मड़ुआ रेफरेंस दे रहा है कि आपको मड़ुआ खाना है, और मड़ुआ का कीमत जो है कि चावल से ज्यादा हो गया। उसी का मैं बोल रहा हूँ। तो आदिवासी आप रियलाइज करने लगा है, होता क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उस चीज से छुड़वाना चाहते हैं, आपको लग रहा है वो आपके लिए खतरा है तो उससे छुड़वाना है, तो आप प्रचार प्रसार इतना नेगेटिव कर दीजिए कि वो आदमी उसको छोड़ के आएगा। आदिवासियों के बारे में ऐसा ही हुआ, आदिवासियों को ऐसा दिखाया गया बोल बोल के कि उनका जो है समाज एक हीप ऑफ गार्बेज है, कूड़ा का ढेर है, ये कूप पंडूक है।
उसे क्या हुआ, आदिवासी अपना भाषा छोड़ रहा है, संस्कृति छोड़ रहा है, अपना जंगल जमीन सब कुछ छोड़ रहा है। तब अभी हम लोग एक बड़ा जो है कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला रहे हैं, तब अभी आदिवासी लोग रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है। हम लोग बोल रहे हैं कि देखो तुमको देखना पड़ेगा, जो समाज ने कहा कि हम मुख्यधारा में हैं, मेरे तरफ आओ, तुम नॉन स्ट्रीम में हो, वो एक्चुअली तुमको बुड़बक बनाया। कैसे हर चीज को आप देखिए ना, जैसे समानता के सवाल पर, समानता आदिवासी समाज में इतना अच्छा है जो दूसरे समाज में नहीं है। मैं दो तरह का समानता, एक सामान्य जनरल समानता और दूसरा लैंगिक समानता। जनरल आप अगर उसको समझना है तो देखिए गांव में जाइए, एक आदिवासी जिसके पास धनी मनी आदिवासी भी है गांव में, जो 3 साल पुराना धान खा रहा है, संपन्न आदिवासी बोलिए, एक संपन्न आदिवासी जो अकेले अपना खेत नहीं जोत सकता, उसके बाद बहुत खेत है, तो गांव के लोगों को जब खेत में लगाता है काम करने के लिए तो साथ में वो भी काम करता है। वो तो साथ में काम करेगा, हल चलाएगा, रोपा रोपेगा, काटेगा, जंगल जाएगा, आएगा, साथ में खाएगा बैठ के भी, हरिया भी पिएगा, अखरा में साथ में भी नाचेगा, इतना समानता। शादी में भी बुलाएगा, अगर एक आदमी के पास 6 महीने का भी खाना नहीं है, मजदूरी कर रहा है, उसको भी बुलाएगा शादी में, और ये बुलाया तो ये भी जाएगा, ये नहीं सोचेगा कि मैं संपन्न हूँ गरीब के यहाँ क्यों जाऊँ, ये आपको असमानता नहीं दिखाएगा। वही आप यूपी में जाइए, राजस्थान में जाइए, बिहार में जाइए, किसान जो है दलितों को खेत में काम कराता है, वो दलित अगर उसके खेत में नहीं काम करेगा ना भूखा मरेगा, लेकिन क्या करता है उसको जो है कि खेत में नहीं काम करेगा साथ में उसको मजदूरी देगा, मजदूर में भी बेईमानी करेगा, जब उसको खाना खाने के लिए घर बुलाएगा ना, कुत्ता जैसे बाहर में खाना देगा, मैं खुद देखा हूँ बिहार में अलग अलग जगह पे। तो ये जो असमानता है ना, तो मैं इसलिए बोलता हूँ जब समाज इतना असमानता छुआछूत का व्यवहार करता है, वो कैसे अपने को कह सकता है कि हम सभ्य हैं, हम शिक्षित हैं, हम जो मेन स्ट्रीम में है। और उसी तरह मैं बोलता हूँ महिला पुरुष के सवाल पर, आदिवासी समाज अपनी बेटियों से दिल से प्यार करता है तो उसको सेल्फी विद डॉटर का नौटंकी करना नहीं पड़ता है। आदिवासी बेटियों को अधिकार है अपना पति चुनने का, हाँ सब कुछ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बोलता है कि 1 लाख महिलाओं को जिंदा जलाया दहेज की वजह से या हत्या किया, उसके बाद बोलता है कि पिछले 20 साल में 1 करोड़ बच्चियों को इस देश में या पैदा नहीं होने दिया या फिर जो है कि पैदा हो गई तो उसको मार दिया। तो क्या एक भी केस बताइए जो आदिवासी ने नहीं किया? कोई ऐसा नहीं बोलते आपके कई ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे कि ग्लैडसन जो है समाज को भटका रहा है, विकास होना चाहिए, हमारे बच्चे भी अब बिल्कुल बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ नगरी जहाँ हम लोग बैठे हैं वहां से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर में है, तो नगरी में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें दयामानी बारला दीदी काफी लीड की, हम भी साथ में थे, हम दो जो है कि काफी हम लोग पर केस भी चल रहे नगरी में। तो नगरी के सवाल में आप जो बोले, एक डिबेट हुआ, हिंदुस्तान अखबार ने डिबेट कराया, वहां हमको बुलाए, और भी लोग बड़े बड़े जो है आपका व्यापारी लोग बैठे, चैम्बर्स ऑफ झारखंड, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग, तो लोग बोल रहे थे कि नगरी में तो होता ही नहीं खेती, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। मैंने उनको कहा आप कभी वहां नगरी गए हैं? तब मुंह उनका बंद किया। मतलब ये लोग बिना सच्चाई जाने जो है कि हवा हवाई में अखबार पढ़ के कहीं से सुन के डिबेट करते हैं। तो इनको हम बोले कि हम लोग सवाल उठा वही कि आप लोग विकास विरोधी हैं, आप IIM IIT लो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बनाएंगे तो जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में स्टूडेंट आ गए थे लो यूनिवर्सिटी का, बोले कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग देखिए रेंट लेके सरकार जो ली है वहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, ये लोग झारखंड के नहीं थे, बाहर के स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको कहा ऐसे कीजिए आपके पास जमीन है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जमीन है। तो मैंने ऐसे कहिए आपका जमीन, आप जितने स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं ना, आप अपना जमीन दे दीजिए, मैं सरकार से बात करके कल ही मैं बनवा देता हूँ, कल ही से शुरू करवाता हूँ। वो बोलते नहीं हम कैसे नहीं दे, कैसे देंगे? तो मैं बोलता यही तो आपको सोचना है, तो आदिवासी क्यों देगा अपना जमीन? लेकिन इसमें हमारा मूल ये था आर्गुमेंट नगरी में, हम ये नहीं कह रहे थे कि IIM IIT लो यूनिवर्सिटी नहीं लगे, हमारा कहना था कि झारखंड का सबसे ज्यादा इलाका बंजर है। जी जी, झारखंड में मात्र 18% जो है कि सिंचित जमीन है, तो आप जहाँ पे 3 बार खेती होता है, 3 फसल होता है, उसमें आप IIM IIT लो यूनिवर्सिटी क्यों बनाना चाहते हैं? आप जाइएगा रांची से खूंटी, तो आप रास्ता के किनारे आप देखिएगा कि बड़ा बड़ा स्कूल बना है, सफायर इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल। तो हमारा कहना था जब इतने बड़े बड़े स्कूल उस बंजर जमीन पे बना है, तो आप वहाँ पे IIM IIT और लो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों आप जो है कि यही जो है कि आदिवासी के खेती जमीन को ही लेना चाहते हैं? तो हमारा आर्गुमेंट यही था
कि आप बंजर जमीन में इंस्टीट्यूशन एजुकेशन हब बनाना चाहते, वहां बनाना भाई, अब क्यों आदिवासी का जमीन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भाई इंडस्ट्री आ रही है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, जो भी है टेक्निकल हायर एजुकेशन के, उसमें आदिवासी भागीदारी कितनी है। जब लॉ यूनिवर्सिटी बना तो एक बार उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तब मैंने ये सवाल उठाया कि आप लॉ यूनिवर्सिटी आदिवासी जमीन पर बनाए, और वहां पे बनाने के बाद आप हंसेंगे कि इतना ही बेईमान लोग है उस सेंटर के अंदर में, लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर में खोल दिया है एक सेंटर जो बोलता है कि आदिवासी अधिकार केंद्र, इसी टाइप का है। तो आप आदिवासी के जमीन लूट के आदिवासी अधिकार केंद्र अंदर में आप चलाएंगे, ये तो बेईमानी है ना। उसको मार करके जो है उसकी जमीन को, आदिवासी का अधिकार का क्या बात, उसका मूल अधिकार तो जमीन पर है, तो उधर आपने उसका अधिकार छीन लिया और उसको जो है कि अपना इंस्टीट्यूशन में बुला के आदिवासी अधिकार पर लेक्चर दे रहे हैं। तो यही है भारतीय चेहरा इंडियन स्टेट। तो जो अभी जो झारखंड ने एक बहुत बड़ा मॉडल खड़ा किया, मतलब मॉडल इन द सेंस कि मैं उसको झारखंड के अस्मिता के आंदोलन का एक बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। सीएनटी एक्ट का जो बदलाव आना था उसको आप लोगों ने जिस संघर्ष के साथ रोका है, मेरे को लगता है भारत के दूसरे हिस्सों में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। कैसे, मतलब इस सीएनटी एक्ट में क्या क्या बदलाव है सरकार ला रही है, सबसे खतरनाक जो बदलाव आ रहे हैं इसमें जो है कि सीएनटी और एसपीटी दोनों कानून, और दोनों कानून में जैसे सीएनटी एक्ट का धारा 21 में संशोधन था, 49 में संशोधन था, 71 में था, एसपीटी एक्ट का 13 धारा में संशोधन था। संशोधन ये था पहला कि ये जो कृषि जमीन है ना उसका गैर कृषि करना, तो ये एक बहुत खतरनाक था, खतरनाक इस मायने में था। और ये क्यों कर रहे थे, ये बहुत चलाकी से कर रहे थे। आपको याद होगा जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने उसी बाद उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट में तीन बार ऑर्डिनेंस से बदलाव उसका नहीं, उसका लिंक इसके साथ आप देखिएगा, लिंक क्यों ऐसे किया, क्योंकि उस एक्ट में आप जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून 2013 है उसमें स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण नहीं होना जब तक आपको बहुत एकदम निहायत जरूरी नहीं। दूसरा उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कृषि जमीन को नहीं लेना है, अगर लेना है तो आपको कृषि भूमि बना के देना पड़ेगा। उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इस टाइप का जो जितना व्यवस्था उसमें था, तो उससे बचने के लिए लोग क्या कर दिया कि कृषि जमीन को ही गैर कृषि करेंगे, तो अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो बोलेंगे तो ये तो गैर कृषि है, तो ये कानून उसमें अप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब चलाकी इन्होंने किया था, लेकिन होता क्या, जैसे ही एक बार डिक्लेयर कर दिए कानून में अगर आ गया तो जितना आदिवासियों का बचा हुआ जमीन है उसको सबको गैर कृषि बोल बोल के ले लेते। और 49 में ये चलाकी किया, अभी 49 को अभी भी वापस नहीं लिया है, अभी हम लोग का आंदोलन कब्जा किया हुआ नहीं। 49 में के अनुसार जमीन ले सकते हैं उद्योग और माइनिंग के लिए, अभी इन्होंने क्या कर दिया उसको ओपन अप कर दिया सबके लिए। तो ओपन अप करने का मतलब कि इनका ध्यान कहाँ है, एक तो यह है जैसे इसमें एक दिया था कि जितना स्ट्रक्चर खड़ा है तो उसको जो है कि 3 महीने के अंदर में 1% टैक्स देके रेगुलराइज करने का। तो उदाहरण के लिए आप आओ समझेंगे, जैसे अपोलो का आपने सुना होगा, अपोलो जहाँ की सबसे मतलब नामी हॉस्पिटल है, तो अपोलो मुंडा आदिवासियों का जमीन पर खड़ा है। अच्छा, तो मुंडा लोग इसको जब केस किए कमिश्नर ये डीसी के यहाँ, तब डीसी ने आदेश दे दिया कि इसको गिराया जाए। और इसमें इतना अन्याय अपोलो ने किया, अपोलो वाले जब आदिवासियों का जमीन ले लिया, लेके बनाया, जब आदिवासी लोग बीमार पड़ गए, ये लोग इलाज के लिए गए, तो अपोलो ने कह दिया कि आप पहले 10,000 रुपए जमा करो तब इलाज करेंगे। 3 लोग मर गया, सोचिए जिनका जमीन पर खड़ा है उसमें मैं कहा 3 लोग मर गए, हम उन लोगों से मिले तब उन्होंने अपना पूरा दर्दनाक कहानी बताया। और इसके बाद जब ये केस फिर कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर ने भी आदेश दे दिया कि अपोलो को तोड़ा जाए, उसके बाद अभी वो केस हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसे ही आपका बहुत सारे आस पास बड़ा बड़ा अपार्टमेंट आप घूमिएगा तो देखते हैं सारे अपार्टमेंट आदिवासी जमीन पर पड़ा है। तो ये लोगों का टारगेट है उसको बचाना, क्यों बचाना, तो ये सारे व्यापारी जो है वो मेजोरिटी बीजेपी का कैडर है या उसके उसको सपोर्ट करने वाला, उसको फंड देने वाला है, तो ये लोग ये सारे स्ट्रक्चर को बचाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर मान लो कुछ ऐसा लोग जज बन गए या फिर कुछ ऐसा सरकार में बैठ गए तो हो सकता है ये सारा स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे। तो पहला मकसद उनको बचाना इनका, और दूसरा जितना जमीन बचा है ना उसको बोलेंगे हम स्कूल बनाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, बोल बोल के लेंगे। क्योंकि एक उदाहरण बोकारो को मैंने देखा, आर के सिंह और बी के सिंह दो लोग
बिल्डर, ये दोनों मिल के जो है कि संताल आदिवासियों का जमीन लिया, बहुत बड़ा इलाका, बोला कि यहाँ कपड़ा फैक्ट्री बनाएंगे। आदिवासियों ने दे दिया, उनको गार्ड चपरासी बनाया। 5 साल के बाद वो फैक्ट्री को बंद करके इन्होंने क्या किया, पूरा इलाका में पूरा 250 पोस्ट बिल्डिंग बनाया और ये सारे पोस्ट बिल्डिंग को गैर आदिवासियों को भेज दिया। और जब ये मामला आया 2006 में आपका डीसी बोकारो के पास, डीसी ने जांच किया, जांच में पाया ये गलत हुआ है। आज तक वो जमीन आदिवासियों को नहीं लौटा जिन्होंने खरीदा, वो आयस कर रहे हैं आदिवासी। ये बड़ी समस्या है जिसको बल्कि देना चाहिए कि हम लोग केस जीत जाते सब हो जाता है, लेकिन ये वापस आने वाला जो नहीं आता वो नहीं आता। अब रांची में कितना जमीन, मतलब लोग आदिवासी लोग केस जीते हुए, क्या गैर आदिवासियों को लिया है जमीन, वापसी का केस जीता है, आज तक उनको जो वापस नहीं मिल रहा है। तो ये जो है कि अगर जब आदिवासियों का बात करेंगे ना, आदिवासियों का एक एक जो है कि कदम पर आने हुआ है और अभी भी हो रहा है। लेकिन एक चीज ग्लैडसन हमें जानना चाहते हैं कि मतलब अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल सेंट्रल ईस्ट इंडिया, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और अगर उसका सदर्न पार्ट में चले जाए तो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर या फिर थोड़ा बहुत तेलंगाना का, झारखंड को अगर देखें थोड़ा सी डिफरेंट नजर आता है कि लीडरशिप आदिवासियों के हाथ में है। और दूसरी जगह पे जो है कहीं ना कहीं पर जो है आदिवासी नेतृत्व जो है गैर आदिवासियों के हाथ में, किस स्थानीय मालिक को देखिए, यहाँ भी कोशिश हो रही है, यहाँ भी दूसरे लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हर एक टाइम में आप देखिए कोई ना कोई लीडर पैदा हो चुकी है आदिवासी समाज में, चूंकि झारखंड का इतिहास ही आंदोलन का है। आप देखिएगा कि पिछला 300 साल का आंदोलन का इतिहास है झारखंड में, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा जानते हैं लेखकों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने, इतिहासकारों ने वैमानिक किया, पूरा वैमानिक किया। हाँ, इतिहास के संदर्भ में आप देखिएगा जहां भी आप जाएंगे तो लोगों को पूछेंगे कि आजादी की लड़ाई कब हुई, सब 1857। अभी थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है, हाँ, कि नहीं वो पहली लड़ाई थी, लेकिन हकीकत में मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इतिहासकारों ने आदिवासियों के साथ इतना वैमानिक किया। मैं एक प्रोग्राम में झारखंड, ये रांची विश्वविद्यालय के HOD थे, आए थे, उनको मैंने वहां पे सवाल पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि अगर आप बोल रहे हैं कि 1857 आजादी की पहली लड़ाई थी, तो 1855 जिसमें जो है कि 15,000 संताल लोग मारे गए, सिद्धू कान्हू को फांसी दी अंग्रेजों ने, ये क्या था 2 साल पहले? अगर आप ये भी बताइए, अगर 1857 उसी तरह अगर सिद्धू कान्हू मुर्मू या कोई जो है कि मुंडा रहता, तो क्या ये भी भारत की आजादी में पहला आजादी की लड़ाई आती? तो लेटसन में उनके पास गया था मैं, सिद्धू कान्हू की फैमिली के 6th जनरेशन से मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बेचारे इंदिरा आवास में रह रहे हैं, अधिकांश फैमिली वाले मतलब उनका वो ट्यूबरक्लोसिस भी उसको हो गया, कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं। तो मैं सोचा कि अगर यही बंदे दिल्ली में किसी पंडित जी के, कोई तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, जोशी जी, कोई भी होते, कोई ठाकुर साहब होते, कोई मारवाड़ी होता, तो कितना चक धोती में और इनको बड़ा जानते हैं सरकार दे चुकी होती। आज जो है कि देश में जो लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा देशभक्त है, वो हमको बता दे कि एक भी इलाका उनका कहीं है जहाँ उन्होंने घोषणा कर दिया हम अंग्रेजों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने टेबल टॉक किया, गांधी जी तक टेबल टॉक किया। जबकि अगर आप जब अगर संताल परगना में आप देखेंगे ना, सिद्धू कान्हू के साथ 60,000 संताल, एक दो 60,000 संताल, इतिहास उठा लीजिए, बिपिन चंद्र जो लिखे हैं उनका इतिहास भी उठा लीजिए, 60,000 संताल ने घोषणा कर दिया बजट, सिद्धू कान्हू को घोषणा कर दिया हम यहाँ के शासक है, हम तुम्हारा शासन स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन देश का कोई भी बता दे कि कोई इलाका की नहीं, हमने घोषणा कर दिया, और उसकी वजह से अंग्रेज लोगों को गोली मारा, अंग्रेज लोगों जिन्होंने उस लड़ाई में शामिल हुआ उनका किताब उठा के देखियो, कह रहे हैं कि हम लोग बंदूक चलाते थे और आदिवासी लोग जो है सीना तार के तीर तो चलाता ही था, सीना तान के जो है कि हमारा बंदूक का गोली खा रहा था, अंग्रेजों ने लिखा। सोचिए इतनी लड़ाई, और उससे पीछे आप जाइएगा तो सबसे पहले बाबा तिलका मांझी, 1770 में आप मतलब ये जो पहाड़ी आदिवासी लोग मिले, जब अंग्रेजों ने इम्पोज किया रेवेन्यू, उन्होंने कह दिया कि हम जमीन जो है कि जंगल और सब कुछ जो भगवान ने दिया हम आपको नहीं देंगे, उन्होंने आइडिया ऑफ स्टेट को स्वीकार नहीं किया। आज भी आदिवासी दिल से आइडिया ऑफ स्टेट को स्वीकार नहीं करता है, और लड़ाई उसी की है, और अपनी ऑटोनॉमी चाहता है, अपना स्वायत्तता चाहता है। तो ये जो है दूसरा में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी इसलिए उस समय में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हो रहा था,
जयपाल सिंह मुंडा ने मांग किया उस समय में जब पाकिस्तान की मांग हुई, बाबा साहब ने दलिस्तान की मांग किया, एक इलाका को जो है कि हमको दलिस्तान में दे दी। उस समय बाबा ये जयपाल सिंह मुंडा उन्होंने भी आदिवासीस्तान की मांग की, लेकिन इनका आदिवासीस्तान दलिस्तान और पाकिस्तान से अलग था। इनका यह कहना था कि हम भारत से अलग होना नहीं चाहते हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे इलाके को आप स्वायत्तता दे दीजिए, उसमें आपका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और उनका स्वायत्तता का मतलब था कि हम अनुसूचित क्षेत्र में हम आदिवासी ही जो है वो एमपी एमएलए जो भी होंगे आदिवासी ही होंगे, वो खुद शासन चलाएंगे, वहां पे जो है कि इंजीनियर डॉक्टर से लेके आपका आईएएस आईपीएस थानेदार जो है कि सब आदिवासी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सही बोले थे। इसलिए बोले थे, आज देखिए कि आदिवासी इलाका का हालत क्यों इतना खराब है, इसलिए खराब है कि जो बाहर से आते हैं वो लोग ना पांचवी अनुसूची पढ़ते हैं, ना पेशा कानून पढ़ेंगे, ना विशेष लॉ बना है उसको ना पढ़ेंगे, उसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं सामान्य लॉ जो है उसी को लागू कर देते हैं। वही था ना डॉक्टर अंबेडकर वही कह रहे थे, वो दलितिस्तान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था, इंडिया की प्रॉब्लम इलेक्टोरल सिस्टम है क्योंकि जहाँ आदिवासी क्षेत्र से नॉन आदिवासी चुन के आ रहे हैं, जहाँ जो है जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां से नॉन मुस्लिम चुन के आ रहे हैं, मतलब सिलेक्टिवली जो है ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है जो हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ये ऐसा लिया ब्रिटिश से लेकर के कि ये जो है एलीट क्लास की डोमिनेंस के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो फास्ट जो गांधी ने फास्ट अंटू डेथ किया पुणे में, जो वो उसने सारी अस्मिताओं के जो जानते थे कि भाई ये जो है आखिर जब कोई भी दलित क्षेत्र में आएगा तो जब दलितों का दर्द नहीं समझेगा तो क्या समझे काम कैसे कर सकता है आदिवासी क्षेत्र के। इनफैक्ट जो मैं बार बार बात कर रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक बहुत बड़ा जो गलती है या जो भी है और इसमें सारे लोग जिम्मेवार हैं कि बड़े बड़े राज्यों में कुछ राज्यों को तो अनुसूची राज्य में घोषित कर दिया गया और बड़े एरिया को नहीं किया गया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो सकता है कि उन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन नहीं हुआ ना, ये कहीं से जिम्मेवार हमको लगता है। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अगर ये दोनों के बीच में मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलता है जहां पे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर उनकी कोई मीटिंग हुई होगी, कहीं ओपन चर्चा होगा, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो पता नहीं इनको दोनों बाहर में पढ़े थे, दोनों का अपना या ईगो था या क्या था, ये समझ में नहीं आता। अगर इमेजिन कीजिए ये दोनों अगर दो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों अगर मिले होते, नया स्ट्रेटजी बनाए होते, तो शायद दलित और आदिवासियों की स्थिति कुछ अलग होती। जो भी डिबेट हुआ नहीं इनके दोनों के बीच में वो सिर्फ असेंबली में हो रहा है, जैसे आदिवासी का ये जयपाल सिंह मुंडा कह रहे हैं मुझे जो है कि आदिवासी सबसे काम कुछ भी नहीं चाहिए, अम्बेडकर कह रहे हैं कि नहीं आदिवासी शब्द और इसमें जो है कि अनटचेबल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब वो दोनों एक साथ मान रहे थे कि तो हमको लगता है वो उनका आइडिया था कि ब्रॉडर यूनिटी टर्म, लेकिन इसमें जो एक आइडेंटिटी वाला सवाल है ना वो बहुत मार खा गया। तो हमको लगता है कि शायद ये एड्रेस हो सकता था कि ये दोनों बाहर बैठते, लेकिन कहीं से मुझे ये भी रेफरेंस नहीं मिलता है कि कभी जयपाल सिंह मुंडा ने उनसे बाहर बैठने का कोई इफर्ट किया या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनसे बैठने का इफर्ट किया। ये जो इंडियन स्टेट में जो है आजादी के बाद से, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को तो बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, सही सही सही, और मतलब बहुत सालों के बाद लोग समझ रहे हैं कि मतलब इज आइकॉनिक इन टर्म्स ऑफ मॉडर्निटी सिविलाइजेशन और हर एक के लिए। ये कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा नॉनदेस मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन और मतलब एक स्पोर्ट्स के भी आइकॉन, नॉट जस्ट दिस की कोई बोले कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए यहाँ पर रहे, ये उनके साथ में इंडियन स्टेट ने या उनकी राइटिंग जो भी उन्होंने जितना भी लिखा होगा मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा लिखा कितना कम लिखा, क्या कारण है कि वो एक मतलब वो तो काफी समय तक रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली में 1956 में उनकी डेथ के बाद मतलब बहुत ये एक इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको लगता है कि अगर थोड़ा शायद कुछ साल और जिंदा रहते तो बहुत सी चीजें हटती, जैसे उस जमाने में राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे समाजवादी जो हमारे वो थे लोग उनके साथ उनके लिंक्स बातचीत चल रही थी एक ब्रॉडर यूनिटी को लेके गरीबों की और जिस तरीके की वो चाह रहे थे। तो ये क्या जयपाल सिंह मुंडा जी को मतलब ये इंडियन स्टेट ने, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 70s तक शायद मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या कारण है कि वो मतलब इंडियन स्टेट कंटिन्यूसली इग्नोर्ड हिम
मुझे जो समझ में आता है वो यह है कि चूंकि वो कांग्रेस में थे वो जब उन्होंने झारखंड पार्टी को मिली विलय किया, उसके बाद में उन्होंने जो भाषण दिया जो रिकॉर्डेड है, मतलब जो लिखा हुआ है, वो सबको आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उन्होंने ये जो अपर कास्ट ब्राह्मण लोग है ना, उनको उन्होंने बहुत टारगेट किया, बहुत टारगेट, मतलब हमेशा भाषण वगैरह में वो कह रहे हैं कि ये जो है अपर कास्ट के लोग है, नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, आगे आदिवासी उनको किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहते हैं। तो जब इनको जो है ना, इनको सिर्फ नहीं, मैं अभी रेगुलर देखता हूँ कि जहां भी लगता है इनको कि ये आदिवासी जो है कि आगे बहुत बढ़ रहा है, ये लीडरशिप पूरा ले लेगा या कुछ ये कर देगा, तो उसको ये लोग ट्रैप करता है। तो जयपाल सिंह मुंडा को कांग्रेस ने ट्रैप किया उस समय में, आप देखेंगे चुप, इसलिए ट्रैप किया झारखंड पार्टी बनाने के बाद। आप देखिएगा कि वो जो है 52 में जो है सीधा 32 सीट लेके जो है कि मतलब कितना बड़ा करिश्मा था उनके ऊपर लीडरशिप का। तो उसी समय कांग्रेस को डर लग गया कि ये आदमी जो है आने वाले समय में जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है, तो इसको लेके जो है कि उन्होंने उसको ट्रैक किया। और एक तो यहाँ दूसरी बात जो है कि उनके जो साथी है, जैसे डॉक्टर रघुराव अम्बेडकर के संदर्भ में आप जाएंगे तो उसके बाद जो भी आए उनको जो है कि एकदम आइकॉनिक फिगर के रूप में आगे बढ़ाया। उनके बारे में इतने सारे लोग लिखे हैं, हजारों हजारों लोग लिखे हैं, आज की तारीख में आप देखेंगे तो कहीं पे भी दलित का सेमिनार हो रहा है तो वहां पे लिटरेचर भरा पड़ा है। लेकिन इनके साथ हुआ कि इनके अपने दोस्त लोग जो है उनका बाइक पैटिंग करने लगे, जयपाल सिंह मुंडा का कई साथी लोग, मैं बोलना नहीं चाहता, नाम लेना नहीं चाहता, तो इसकी वजह से। और बाद में जो लीडर आए ना, बाद में लीडर आए वो भी जयपाल सिंह की बात नहीं की, जय शिव सोरेन का बात करिए, आपका जो है कि ये बाबूलाल मरांडी का बात, किसी का बात कीजिए, जयपाल सिंह मुंडा का कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। आजकल हम लोग जिस तरह से बात करते हैं तो बाद के लोगों ने भी, या फिर बाद के साहित्यकार भी निकले आदिवासी समाज में, लेखक निकल रहे हैं, वो भी उनके बारे में नहीं लिखे, तो ये सब मतलब तो सपोर्ट नहीं। आजकल एक बहुत आसान तरीका हो गया ना, अगर किसी रेडिकल को खत्म करना है तो जैसे बिरसा का नाम आजकल ज्यादा लेते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं बोलना कि बिरसा रेडिकल नहीं थे, बिरसा भी बहुत रेडिकल थे, लेकिन उनका लास्ट डेज में भी जो कुछ थोड़ा रिलीजन का पुट आता है नहीं, एक इसमें भगवान जब बना करके इसमें जो है ना, इसमें अगर आप देखिएगा कि अगर ये जयपाल सिंह मुंडा क्यों नहीं आगे बढ़ पाए और बिरसा इतना ज्यादा आइकॉनिक क्यों हुए, तो दोनों में भी आपका कहीं ना कहीं रिलीजन आपको दिखाई देता है। अगर आप बिरसा मुंडा आप देखेंगे तो अगर काम के दृष्टि से देखिएगा तो बिरसा मुंडा एक मुंडा इलाका में काम किया जी, बिल्कुल। अगर जयपाल सिंह मुंडा देखेंगे तो इंटरनेशनल फिगर है, कि वो जो है कि पहला जो है कि इंडिया में देखिए कि 9 गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला ये जयपाल सिंह मुंडा कैप्टन है, उसके बाद 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीता गया है ना, लगातार एक ही गोल्ड मेडल जो है कि बाकी शूटर में जीते, तो उसके बाद भी रिलीजन की ये क्रिश्चियन थे ना। और उस समय में झारखंड आंदोलन के समय में आप देखिएगा कि बीजेपी आरएसएस जो नहीं चाहती थी झारखंड बने, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कि ईसाइयों का देश को तोड़ने वाला मूवमेंट है, जबकि आज वही एंजॉय कर रहे हैं आज भी, लेकिन जब सीएनटी एसपीटी हर एक आंदोलन में वही उठाता है। और बिरसा मुंडा को राइट विंग भी इसलिए उठाया कि वो कहीं ना कहीं इनको लगा कि बिरसा मुंडा को साथ लेंगे तो ये जो है कि क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन की लड़ाई मजबूत होगी, इसके लिए भी आप देखिएगा उनको जाएंगे बहुत उठाया, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्रिश्चियन होने की वजह से भी उनका जो है कि बाकी लोगों ने पिकअप नहीं किया, कहीं भी राइट विंग का कोई भी सभा में आप जयपाल सिंह मुंडा का नाम आप नहीं सुनेंगे, तो ये बड़ा लड़ाई है। और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट में हार गए तब अभी ये क्या कर रहे हैं कि नहीं आप कन्वर्सन एंटी कन्वर्सन बिल लेके आएंगे, और असेंबली में यहाँ गाय भैंस सब कुछ। यार यहाँ पे आप देखिएगा कि पूरा ना सिर्फ झारखंड में, पूरा देश में बीजेपी का पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस जो है कि कॉन्फ्लिक्ट पे डिवाइड, मतलब अगर आप देखिए जिस दिन इस देश में धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी, बीजेपी खत्म हो गई, बिल्कुल, उसको फिर कौन पूछेगा। तो ये चाहते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं धर्म का जो मामला है ना उसको उठा के रखे, चाहे जैसे जैसे झारखंड में है, और ये खेल जो जैसे कंधमाल में उन लोगों ने किया, आदिवासियों दलितों में क्रिश्चियन और वैसे हिंदू और क्रिश्चियन का झगड़ा बना करके कराया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जयपाल सिंह मुंडा तो एक पॉलिटिकल लीडर थे, क्या ये कहीं ना कहीं पर आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे जितने भी आंदोलन, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन था उसके सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि
उन्होंने बहुत फोर्स किया, मतलब कई कल्चरल मूवमेंट को बाएं दाएं जो उनके साथ में लोगों को, मतलब एक पॉजिटिव वर्क उनका बहुत रहा, कंस्ट्रक्टिव वर्क इन सेंस की जैसे बुद्धिज्म की तरफ, और उसके बाद जो है नए लोगों को खड़ा करना, एक बड़ी जनरेशन ऑफ अम्बेडकराइट जो है खड़ी हुई। तो कहीं जयपाल सिंह जो है वो मोर एंड मोर ही वॉज मोर पोलिटिकल, और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम कंपेरिजन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन आइकॉनिक है। और ये लगता है जैसे आपने कहा कि आरएसएस जिंदा है क्योंकि वो कल्चरल विंग का काम कर रहा है, तो क्या ये लगता है कि कल्चरल मूवमेंट्स आर इक्वली एंड इफ नॉट एक्चुअली लेसर मोर इम्पोर्टेंट? आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आरएसएस को आप देखेंगे और आदिवासी आंदोलन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आरएसएस की उत्पत्ति 1925 में होती है। आदिवासी समाज में लोगों को संगठित करने का काम आपको आपका 1915-16 के आसपास ही हो गया था, शुरू हो गया था, कई संगठन बन रहे थे वगैरह। लेकिन दोनों का मैं देखता हूँ अगर पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो 1952 में जयपाल सिंह मुंडा जाते हैं, सोच लीजिए, और आरएसएस जो आपको 80 के बाद आती है ना, लेकिन आज देश में शासन कर रही। तब इसको जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो ये समझ में आता है कि जयपाल सिंह मुंडा या उनका ग्रुप जो है उन्होंने शायद एक बहुत बड़ी भूल की। भूल ये कि जो आदिवासी महासभा उन्होंने जब बनाया उस समय में वो बहुत जबरदस्त ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन था, और जो अपने सांस्कृतिक आंदोलन जो कहा अगर उस दरमियान का अगर आप लेख उठा के देखेंगे, ना सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा जो लिखे हैं बल्कि साथी और भी लिखे हैं, मैं उनको देखता हूँ, जिस तरह से आज हम लोग बात करते हैं लिखते हैं भाषा के सवाल पर, संस्कृति के सवाल पर, आइडेंटिटी के सवाल पर उन्होंने जबरदस्त उठाया जी। और आदिवासी समाज को अगर मोबिलाइज किया ना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल था, आइडेंटिटी का, कल्चर का, भाषा का, ये सारे सवाल थे, जमीन जंगल का, आज जो मुद्दे उठ रहे हैं वो मुद्दे उन्होंने उठाया। गलती कहाँ पे हुई, ये जो आदिवासी महासभा जो था उसको एक आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कंटिन्यू करना था। इन्होंने गलती क्या करी कि आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में बदल दिया और आदिवासी सभा का आइडेंटिटी खत्म कर दी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई। होना क्या चाहिए था, इनको आदिवासी महासभा को कंटिन्यू करके किसी दूसरे को लीडरशिप देना चाहिए था, और उसके साथ साथ कई एक संगठन और बिल्डअप जैसे आरएसएस ने बनाया, और एक पॉलिटिकल विंग उनका अपना चलता है। तो आज की समय में हम लोग वही कर रहे हैं, आज के समय में हम लोग ये भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विंग को पॉलिटिकल विंग होना चाहिए, और आज आदिवासी समाज में मल्टीपल संगठन बनाइए, और उसमें आपको कहीं ना कहीं बौद्धिक क्रांति लाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक आप बौद्धिक क्रांति नहीं लाएंगे, और उसका केंद्र जो है कि आदिवासी फिलोसफी होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए। आज आदिवासी मल्टीफोर्ट में डिवाइडेड है, आरएसएस धर्म के नाम से बांट दिया, कहीं जो आप एथनिक ग्रुप के नाम से है, भाषा के नाम से, मल्टीफोल्ड है ना। बिल्कुल, तो डाइवर्स भी है। डाइवर्स भी है, तो डाइवर्स भी आ जाए, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम एक केंद्र में भी आदिवासी के सवाल पर, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं कि दलित आदिवासी एक साथ आना चाहिए, दलित आदिवासी और जो बहुजन समाज की बात करते हैं, तो ये इसके लिए क्या आपको लगता है कि मतलब बहुत सब लोग बात कर रहे हैं और आपने ये काफी क्वेश्चन भी रेज किए हैं, हाउ डू वी ब्रिंग देम टुगेदर, और इज इट एसेंशियल और इज नॉट? नहीं उसे, हाँ वो मैं जरूर उस पर बोलूंगा, उससे पहले मैं ये जो आपका पिछला सवाल था अम्बेडकर के सवाल पर पूरा नहीं किया। देखिए, एक मैं देखता हूँ कि बाबा साहब ने एक बड़ा काम किया, वो लिटरेचर बिल्डअप, बहुत बड़ा जो जयपाल सिंह मुंडा ने भी लिखा, लेकिन उस तरह से, मतलब इंटेंशनली शायद नहीं लिखा, जब वो लंदन में थे उन्होंने स्पोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा लिखा, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने वॉल्यूम लिखा ना, उसको जयपाल सिंह मुंडा ने लिखी और उसके बाद के साथियों ने भी नहीं लिखा, एक बड़ी कमी हम लोग को खलती है। इसलिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना लिटरेचर हम लोग लिखे, ताकि आने वाले समय में अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि आदिवासी समाज को कैसे मारा गया, लिटरेचर से मारा गया, जितने आपका आर्यन राइटर आए या परकास्ट राइटर आए, वो क्या लिखे आदिवासियों के बारे में, उठा के देखिए, आदिवासी शैतान है, असुर है, जंगली है, सुअर है, हाँ पिछड़ा है, गरीब है, अनपढ़ है, यही सब लिखा ना, बस यही सब लिखा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी एक भी पॉजिटिव चीज नहीं लिखा, तो आज हम लोग आदिवासी समाज में जितना पॉजिटिव चीज है उसको लिखे, और इन्होंने जो गलत लिखा उसको भी हम क्रिटिक करें, बिल्कुल, तब जो है कि समाज खड़ा होगा।
तो ये लिटरेचर का एक बहुत बड़ा भूमिका है आज हम लोग जो है कि वो समझ रहे हैं, ये आदिवासी समाज में नहीं आया, इसलिए भी नहीं आया होगा क्योंकि शायद हो सकता है जयपाल सिंह मुंडा या बाकी आंदोलनकारी को लगा होगा कि हमारे पूर्वज तो लिखते सिर्फ नहीं, उन्होंने जल जंगल जमीन या समाज को बचाया, तीर धनुष से बचाया, तो हम भी लड़के बचाए क्योंकि रेसिस्टेंस तो है इनबिल्ट। बिल्कुल, आज भी आप देखिए कि कितना सरकार गोली चला रही है, आपने देखा होगा कितने लोग मारे जा रहे, केस कर रही है, अभी भी 9 ये जून को हम लोग बहुत बड़ा यहाँ पे रैली केस सीएमटी एक्ट के खिलाफ में हमारे ऊपर हमारे साथियों के ऊपर दो दो केस किया, तो ये सब होते रहता है, उसके बाद हम नहीं डरते हैं। तो एक जो अंदर से दिया है ना, इनबिल्ट है ना हमारे यहाँ रेसिस्टेंस पावर, तो वो है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी सभी साथी लोग यह महसूस करते हैं कि हमें लिटरेचर का बहुत इस्तेमाल करना है, और अभी मुझे उम्मीद है कि ये होगा। यहाँ आपने सवाल उठाया कि दलित और आदिवासी यूनिटी, देखिए अगर लॉन्ग टर्म आप देखेंगे या पूरे भारत के संदर्भ में देखेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे आज देश में एक मूल निवासी मूवमेंट जो कुछ साथियों ने चलाया है, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जरूरी है यूनिटी होना। आप एक सेग्रीगेट होके बहुत दिन तक आप नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप सेग्रीगेट होंगे तो दुश्मन आपको टारगेट करने में बहुत ईजी होगा उसके लिए, वो आपको मारेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ा डायलॉग का जरूरत है, क्योंकि मुद्दे अलग हैं, अपनी ऑटोनॉमी को भी नहीं छोड़ सकते, सही बात बिल्कुल। ऑटोनॉमी मतलब दोनों दलित और आदिवासियों का खासकर आप देखेंगे तो मुद्दे बहुत भिन्न हैं। बिल्कुल, वहीं पे हम लोग एब्सोल्युटली डिफरेंट। मान लीजिए कि आइडेंटिटी, आदिवासी ज्यादा आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है, दलित जो है कि ज्यादा डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अगर लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो आइडेंटिटी और डिग्निटी के सवाल पर हम दोनों एक साथ आते हैं, है ना, क्योंकि आदिवासियों में जो संस्कृति के लिए जो वो है, वो एक बड़ा जो बड़ा पहचान और संस्कृति तो है। प्लस अगर मुद्दे का दूसरे मुद्दे भी आप देखेंगे, जमीन का सवाल जी, तो झारखंड जैसे जगह में आप देखेंगे तो चूंकि आदिवासियों के पास जमीन है तो विस्थापन के खिलाफ लड़ रहा है, दलितों के पास जमीन नहीं है तो विस्थापन आंदोलन में नहीं है, बहुत कम मतलब बहुत नॉमिनल है। कई दलित मूवमेंट में मैं जाता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि हम आपका जो है कि जमीन की लड़ाई लड़ेंगे कि आपको जमीन मिलना चाहिए, तो भाई हमारा जमीन बचाने में भी आपको साथ आना होगा, विस्थापन के खिलाफ में लड़ाई में आपको साथ आना होगा। लेकिन इसका लार्जर डायलॉग होना चाहिए, कॉमन मिनिमम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही आना पड़ेगा, और इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, चाहे बाबा साहब से हुई या फिर जयपाल से मुंडा से जो भी है, उसको हम लोग ठीक है आपस में बातचीत में लाएं, जिससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उससे लड़ाई को और मजबूती मिलेगा। लेकिन बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं कि अगर आप बाबा साहब ने जो गलती की उस पर बात करेंगे तो यूनिटी टूटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि मतलब वैसे तो आइकॉनिक फिगर्स हैं, और आदिवासी भी बाबा साहब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके लिटरेचर से जो सीखने वाला जहां से भी है, ऐसा नहीं कि उनके उनके काम का कोई चीज नहीं। मैं हमेशा आप देखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए बाबा साहब का सबसे बड़ा काम जो है ना, उन्होंने वॉल्यूम का वॉल्यूम लिटरेचर लिखा, लोगों चेंज भी किया। आप देखिए कि इतनी बड़े समाज को जो है, इतना बड़ा समाज में जो परिवर्तन आया है, राजा जब हम तुलनात्मक करते हैं तो यही लोग बोलते हैं कि आदिवासियों में भी बाबा साहब अंबेडकर होने चाहिए। इस समय ये ना बोलूँ उसके उसके दूसरे मीनिंग मत लीजिएगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि जब आदिवासी समाज का नेतृत्व दूसरे के हाथ में देखते हैं, तब वो कहीं ना कहीं पिंच करता है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो अस्मिता की लड़ाई है तो कहीं कहीं इधर नहीं। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, आदिवासी लीडरशिप जैसे महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पे मैं देखता हूँ वो नहीं आ पा रहा है। उसका वजह ये भी है कि ये अपने आइकन को भी नहीं जानते हैं। कई जगह मैंने देखा, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप नहीं बिल्कुल पता कीजिए, नहीं बता पाएंगे, अधिक से अधिक बिरसा मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा का भी पूर्ण नहीं जानते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा बस हम लोग का आइकन भगवान हो गया, लेकिन वो नहीं, उनका मूवमेंट क्या था, ई पार्ट क्या रहा, बहुत सारा नहीं जानते हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो इतने सारे आइकन है ना आदिवासियों के, बहुत सिद्धू कानू इतने सारे आइकन जिन्होंने मतलब अपना पूरा जान ही दे दिया। मैं तो बोलता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि आदिवासी समाज में अगर आज वो समाज बचा हुआ है, वो पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, वो जमीन जंगल नदी पानी खनिज बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि किसी ने अपना जान और खून सब कुछ दे दिया समाज के लिए, और एक नहीं दिया, हजारों लोग दिया। संताल हुल में देखिए ना, 15,000 लोग मारे गए। कई बार ये होता है कि हम मध्यवर्गीय जो गलत फहमियां होती है कि आदिवासी जो है वो जंगल में रहता है, बस बस नौकरी में नहीं जा रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि जो इंग्लिश में एजुकेशन
का मतलब कहने का हम ये सोच लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल वास्ट ट्रेडिशनल नॉलेज है जो एक ऐसा है उसमें एक जो अवधारणा बिल्डअप किया जाता है ना लगातार लिटरेचर में टीवी में बाकी जगह चीजों में उसकी वजह से लोग नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव नहीं करते हैं। आप रांची में आप देख लीजिए रांची में आदिवासियों का एक से एक बिल्डिंग मिलेगा एक से गाड़ी मिलेगा वो जो है कि 4G यूज कर रहा है आपको स्मार्टफोन में है एक से एक चीज है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। लेकिन वो भी जो है कि बोलेगा कि आदिवासी जो है कि जंगली है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आदिवासियों को जितना पढ़ा लिखा बड़ा बड़ा ये है जिनके साथ मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ कभी कभी तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि देखो देश ऐसा है जहाँ आप आपको बोलता है मुखधारा में आओ लेकिन आपके पास जितना भी हो आप बंगला गाड़ी कुछ भी बना लो ये समाज भारतीय तथाकथित भारतीय समाज आपको नहीं स्वीकार करने वाली है। इसलिए आपको जो है अपना फिलोसफी पर आप खड़ा होइए। दूसरी बात ये भी है ना कि अगर हम आज से 10 साल बाद का देखेंगे तो 10 साल बाद जो आपके गांव में जंगल में जहाँ विकास नहीं जिसको हम बोल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा हमको लगेगा। बिल्कुल आज आज देखिए ये विकास तो कहीं दिखाई नहीं देता में कैसे घाघरा आज है जितना भी विकास का लोग चिल्ला ले लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं लगातार यूरोप जा रहा हूँ आजकल ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस में लेकिन मैंने देखा कि लोग जीना भी शुरू कर दिया। लोग मुझे यूरोप में कई बार बोलते हैं कि हम लोग को आप दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों जैसा जीना पड़ेगा। और मैंने देखा कि वेल्स में लंदन का 25 परिवार वेल्स में 175 एकड़ जंगल जो है वहां जाके बस गया है छोटा छोटा घर बनाकर। वो कोई इंटरनेट नहीं चाहिए उनको कोई मोबाइल नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। मैं उनको बोला कि क्यों ऐसा किया बोलता है कि ये विकास जो है कि पागलपन है क्योंकि धरती बचेगी नहीं। आज आप देखिए ना ये जो स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल सही इतना बड़ा वैज्ञानिक जो ये आपका कैम्ब्रिज में बैठा है वो क्या बोल रहा है दिसंबर में एक आर्टिकल लिखा मार्च में लिखा वो लिख रहे हैं कि हमने जितना भी आविष्कार किया है एक भी आविष्कार नहीं किया है धरती को बचाने सही बात। आज हमारे पास ऐसे ऐसे चीज है कि एक बटन दबाएंगे धरती खत्म हो जाएगी। सही आज बताइए कि दुनिया जो है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल कूलिंग सब जगह हो रही है आज अभी जो है कि रोपा शुरू नहीं हुआ हमारे यहाँ जबकि अभी तक रोपा खत्म हो जाता है कई कई इलाके में। इसलिए मैं बोलता हूँ अल्टीमेट दुनिया को बचाना है तो आदिवासी के रास्ते में ही जाना पड़ेगा। जो झारखंड में जिस तरह से जो अभी डेमोग्राफिक चेंजेस नजर आ रहे हैं हमको ये जो मैं उसको दिक्कू अभी भी बोलता हूँ जो दिक्कू पॉपुलेशन है वो मतलब बढ़ रही है और क्या आपको लगता है कि जो डिलिमिटेशन होगा नेक्स्ट टाइम पे वो जो यहाँ की जो मूल आबादी है जिसके लिए ये स्टेट बना आदिवासियों उसकी सीटें और कुछ कम हो जाएंगी और अगर कम होंगी तो क्या रेसिस्टेंस यहाँ पर होने वाली है क्योंकि मैं इसको इसलिए दौड़ रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड स्टेट से आता हूँ और उत्तराखंड के स्टेट के भी यही हाल है कि जहाँ पर आधा हिस्सा मतलब जो है छोटा हिस्सा प्लेन का है और मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये कि पहाड़ी भी आबादी कम है बहुत और प्लेन में जो है वो थोक के बहुत बच्चे हैं। तो अब पहले जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो पहले जब सीटों का मतलब क्या परिसीमन जब करते हैं तो पहाड़ की तो कोई सीटें नहीं होती उनके पास मतलब तो वो स्टेट जिस उद्देश्य से बना था वो उसका मीनिंग वही डिफीट हो जाता है। सही। तो अभी फिर वही खतरा जो है हमको भी नजर आ रहा है और हमको लगता है कि झारखंड में भी शायद वो खतरा और ज्यादा क्योंकि झारखंड में तो पहले ही जो है नॉन आदिवासी सीटें ज्यादा है। सही सही। नहीं पिछले समय में जब डिलिमिटेशन का बात हो रहा था उस समय बहुत रेसिस्टेंस हुआ उसकी वजह से उन्होंने नहीं किया लेकिन इस बार ये लोग जरूर करने का करेंगे तो प्रतिरोध तो होगा जरूर। देखिए इसमें मूल सवाल यह है जो मैं तभी भी कहने का कोशिश कर रहा था कि इस देश में मैं देखता हूँ कि जो आदिवासियों के लिए कानून बने हैं या संवैधानिक प्रावधान है या दलितों के लिए बने हैं उसको लोग लागू नहीं करते हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए जो 5वीं अनुसूची है संविधान का उसके अनुसार कि 5वीं अनुसूची इलाके में जो गैर आदिवासी पॉपुलेशन है उसको उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि संविधान में भी है। तो जब भी इसका हम लोग आर्गुमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग रेफरेंस देते हैं संविधान का अनुच्छेद 19 उसका 1, 2, 3, 4 तक बोलेंगे कि नहीं आप देश में कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी रह सकते हैं कहीं भी बस सकते हैं नौकरी कर सकते हैं लेकिन वही 4 से आगे नहीं जाता है। अगर उसका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 और 6 अब जाएंगे ना तो 5 और 6 में क्या बोलता है उसमें बोलता है स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो भाई आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? वैसे भी जो है वो भी क्या बोलता है अगर जनरल पॉपुलेशन या शेड्यूल ट्राइब पर अगर किसी तरह का एग्जिस्टेंस पर उसका
प्रॉब्लम आ रहा है तो इसलिए हमारा हम लोग अभी अभी हर स्टेट जो नेचर है जो कम्युनिटीज है उसको करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। उसमें दोनों का एसटी वाला जनरल पॉपुलेशन झारखंड अकेला नहीं है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट है। अभी हमारा संगठन जो है कि ये बिरसा मुंडा उल्गलन मंच, हम लोग उसके थ्रू इसको उठाने वाले हैं कि आप जो है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 और 6 के तहत आप उसको लेके आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाइए पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में, क्योंकि बाहरी पॉपुलेशन आ रहा है उसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन जो है कि कम हो रहा है और जो डेमोग्राफिक चेंज आएगा ना तो बहुत खतरनाक होगा। और आप देखिए ये जो डेमोग्राफिक चेंज की वजह से दो केस हुआ झारखंड में, इसी को आधार बनाकर पेशा कानून को चुनौती दिया इन लोगों ने, दिक्कू लोगों ने जिसको आप दिक्कू बोल रहे हैं, और इन लोगों ने दिक्कुओं ने पांचवी अनुसूची को भी चैलेंज किया। चैलेंज किया ये कहते हुए कि कई एक इलाका है पांचवी अनुसूची में जहां पे आदिवासियों का पॉपुलेशन कम हो गया है, उन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। जब पेशा को चैलेंज किया था उस समय में फॉर्चुनेटली आप समझ लीजिए कि केजी बालकृष्ण थे, खुद दलित थे तो दलितों का आदिवासियों का दर्द समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा अगर कोई दूसरा होता तो मुझे लगता है कि खारिज कर देता केस को, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट खारिज कर दिया था, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में दिक्कू लोग ही बैठा होगा। अच्छा। तो लोग बोल दिया कि पेशा कानून असंवैधानिक है, ऐसा बोल दिया। तब जब सुप्रीम कोर्ट गया तब केजी बालकृष्णन ने जजमेंट देते हुए बहुत स्पष्ट कहा कि भले आप लोगों का जो है जनसंख्या ज्यादा है लेकिन आपको समझना चाहिए ये सारा इलाका ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। समझिए, तब उन्होंने कहा कि पेशा कानून कहीं से भी उसमें आरक्षण का प्रावधान है वो असंवैधानिक नहीं है, ये दिया। और पांचवी अनुसूची का केस में भी यही आर्गुमेंट हो रहा है, हम कह रहे हैं कि आदिवासी यहाँ से झारखंड से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से 150 साल पहले अंग्रेज लोग ले गए आसाम, 150 साल से अंग्रेज वहां आसाम में रह रहा है, उसको वहां एसटी का दर्जा नहीं मिला, वो जो है कि जनरल पॉपुलेशन में गिना जाता है, और आप यहाँ 15 साल रहोगे और यहाँ के यहाँ हक मांग रहे हैं आप, माल पूरा खा रहे हैं। अब हमारा आदिवासी जो है कि दिल्ली में है, अंडमान में चला गया 150 साल से 100 साल से, उसको अधिकार नहीं मिल रहा है वहां पर, बताइए। तो आदिवासियों के साथ इंतजार नहीं है, और आप जहाँ भी जाएंगे आपने जो है बहुत लिखना शुरू किया, किताबें निकाल रहे हैं, झारखंड में या देश में जो मीडिया की हालात है वो तो आप जान ही रहे, अभी तो पिछले 3-4 साल में और भी बुरे हो चुके हैं। आदिवासियों की जो उपस्थिति है वो कैसी है, किस रूप में आप मीडिया आदिवासी को देखता है, क्या उसके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे और दूसरा उसके खबरों के तौर पे? नहीं, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मीडिया आदिवासियों का खबर तभी छापता है जब उसको लगता है ये खबर बिकेगी। अच्छा, वो उसको एक सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में देखता है, कहीं से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए मैं भारतीय मीडिया को बोलता हूं कि ये देश में सबसे इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन है और सबसे रेसिस्ट इंस्टीट्यूशन है, ये नस्ली इंस्टीट्यूशन है। इसलिए झारखंड में आप देखिए कई एक अखबार, कई एक जो है कि बड़े बड़े संपादक हैं वो बहुत घमंड करेंगे कि हम झारखंड आंदोलन में शामिल हुए, झारखंड आंदोलन को प्रमोट किया, लेकिन उनको एक भी सवाल पूछिए कि आप झारखंड आंदोलन में आप शामिल हुए, इतना बड़ा जो आंदोलन को आपने सपोर्ट किया, लेकिन आज तक आप जो है कि एक न्यूज एडिटर तक क्यों नहीं पैदा कर पाए, क्यों नहीं बनाए? क्या आदिवासियों में क्वालिटी नहीं है या आप उनको जाके रोक के रखना चाहते हैं, आप उनको जगह नहीं देते? मैं खुद जाता हूं मीडिया हाउस में, मैं देखता हूं दूसरे दिक्कू लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक से हिंदी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन है हाँ, झारखंड जैसा जगह में एक न्यूज एडिटर तक नहीं होना या एक ब्यूरो चीफ तक आदिवासी नहीं होना, ये मीडिया के लिए शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल, हाँ, ये रोक के रखा है, जबकि आप हर एक जगह पे लीडरशिप है, एक से एक डॉक्टर मिलेंगे आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर मिलेंगे आपको, जहाँ IAS IPS मिलेंगे, नेता मिलेंगे, तो मीडिया में क्यों नहीं है भाई? एक संपादक कैसे नहीं बन सकता है भाई? यही दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी यही है कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को क्यों भारत में जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उनको लग रहा है ये बड़ी चलाकी से की जा रही है। जी जी बिल्कुल, ताकि वो अगर सवाल करेंगे कि आप जो है कि आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरिट का, तब वो जो है कि कहेंगे कि नहीं भाई आरक्षण जो है कि चूंकि ये तो प्राइवेट हो गया तो कैसे प्राइवेट होगा और इसमें तो मेरिटोरियस चाहिए। और सबसे मही बोलता हूँ, आप मेरिट की बात करते हैं, जहां भी आप आरक्षण के बात आएगा तो मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट, मतलब आदिवासी दलित और जो आरक्षण से आता है वो मेरिट ही नहीं है, तो आप बता दो ना आप में इतना मेरिट है
तो देश में इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, इतना ज्यादा लूट रहे हो कि कौन सा दलित और आदिवासी है उसमें, मतलब आपका इतना मेरिट हो गया कि पूरा देश को जो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि देश को आपने 70 साल तक चलाया, उसके बाद भी इस देश में एक समस्या आप समाधान कैसे नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में एक कार्यक्रम बता दीजिए जिसको 100% इन लोगों ने लागू किया। आज जो है इतना मेरिट वाले जो आईएएस आईपीएस देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री बन रहे हैं, तो ये जो है कि क्यों जो है एक गरीब आदमी को 500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलना है, उसको 500 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, उसको भी जो है कि निगल जा रहे हैं। कौन सा सिस्टम आपके आपके पास है जो डेवलपमेंट हो जाएगा? आप सड़क बनाते हैं, सड़क जो है कि 2 साल में टूट जाता है। आप कोई एक कार्यक्रम अच्छा से नहीं चल सकते, इतना मेरिट वाले लोग हैं, पूरा देश में करप्शन ही भरा पड़ा है। अभी आप याद करते होंगे कि इनकम टैक्स का अफसर जो है कि कल परसों रांची में पकड़ाया, उसके यहाँ की 5 किलो 6 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, ये तो मेरिट वालों का स्थिति है। मेरिट माने डोमिनेशन का एक सिद्धांत है। ये सब जो है कि मेरिट के नाम पर छीछा लेता है, कुछ नहीं है मेरिट में, ग्रामेटिकल कंट्रोल। बस वो चाहते हैं कि जो मुश्किल से 5% जो है लोगों के हाथ में, खाली सत्ता सिर्फ नहीं रहे, सारा कुछ रहे, मीडिया आरक्षण है तो मीडिया का, पूरा देश का मीडिया उठा लीजिए ना, मीडिया और जुडिशियरी पूरा जो है कि वो यहाँ पर कस भरा हुआ है, कोई दूसरा है नहीं। तो अभी आपका जो योजना है क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है कि साहित्य और इसी के जरिए सांस्कृतिक प्रतिरोध को भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं मेरा मानना है कि आदिवासी समाज में भाषा संस्कृति, आदिवासी पहचान, जंगल जमीन, पूरा जो आदिवासी समाज की जो लड़ाई है ना, उसका आधार जो है अभी हमें कहीं ना कहीं इसको बौद्धिक आधार बनाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ और ये मैं कोशिश भी अभी कर रहा हूँ कि आदिवासी को अगर बचना है तो आगे की लड़ाई जो है वो जो है बौद्धिक लड़ाई होगी। हमारा पूर्वज पिछला 300 साल से लड़ा, हम लोग लड़ रहे हैं, वो तीर धनुष के बदौलत जो है कि समाज को, समाज में जितने संसाधन बचे हैं, जंगल जमीन नदी पानी सबको, भाषा संस्कृति को बचा के रखा। लेकिन आज की तरक्की में हम हथियार से नहीं लड़ सकते। आज आदिवासी समाज लड़ेगा तो बौद्धिकता के बल पर लड़ेगा। और ये भी मैं कहता हूँ कि जिस दिन आदिवासी समाज में बौद्धिक क्रांति आ जाएगी ना, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं उससे जीतेगा। क्यों नहीं जीत पाएगा? इसलिए नहीं जीत पाएगा कि आज बहुसंख्यक आदिवासी, अब देखिएगा गाँव देहात में रहता है, वो लड़ाई लड़ रहा है, भाषा संस्कृति रीति रिवाज सब बचाया हुआ, तो वही बचाया है, ये पढ़ाई लिखा में नहीं बचाया है। हाँ, उसके बावजूद हम समझते हैं कि वो बहुत मायने में, आप देखिएगा, क्योंकि वो संविधान को नहीं जानता है, कानून बन रहे हैं उसको नहीं जानता है, चलाकी से सरकारें क्या क्या जो है कैसे कानून को बदल रहे हैं, कैसे कॉरपोरेट को जो है कि उनका जमीन जो है कि दे रहे हैं एक नया नया कानून बना के, या जो कानून बना है जो आपका सेफ गार्ड है उसको कैसे जो है कि वो खत्म कर रहा है, ये सब चीजों को नहीं जानता है, वो विश्लेषण नहीं कर पाता है। मान लीजिए धर्म के नाम से कैसे लड़ाता है, यहाँ देखिए एक तरफ बोलता है आप बीजेपी के, ऐसे ऐसे दिखाता है कि हम आदिवासियों का हितैषी हैं, सरना आदिवासियों का, लेकिन खूंटी में मैंने देखा कि सरना आदिवासियों का पूजा स्थल 514 पूजा स्थल है, जिसका जो है 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। एक तरफ देखिए दिखा रहा है कि हम सरना आदिवासियों का हितैषी है, हाँ, रांची में सरना मंदिर बना रहा है, और उसी तरह आप देखिएगा कि सरना बोलता है और ईसाई लोगों के खिलाफ में नफरत फैलाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए जितना नक्सली के नाम से निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वो जेल में डाले जा रहे हैं, ये सब सरना आदिवासी हैं, जहां पे बीजेपी का 15 साल से शासन है। तो ये सारा फैक्ट को आदिवासी कैसे समझेगा? जब उसमें बौद्धिक क्रांति आएगी ना, एनालिसिस करना शुरू करेगा, सवाल खड़ा शुरू करेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन आदिवासी सोचना शुरू करेगा, सवाल खड़ा करना शुरू करेगा, जैसे कन्वर्सन का सवाल जी आज पूरे देश में क्या दिखाता है कि धर्मांतरण, झारखंड में धर्मांतरण, लेकिन आंकड़ा क्या बोलता है, 1951 का जनगणना उठाइएगा तो देश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितना था, 4%। अभी 2011 का 2% हो गया, पॉपुलेशन क्या बोलता है, वो भी जो है कि 4%। झारखंड में देश में देखिएगा तो 1951 का पॉपुलेशन 2% क्रिश्चियन थे, आज भी 2% ही है, लेकिन कन्वर्सन हो रहा है। मैं बोलता हूं कि देश में या झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कि शैक्षणिक संस्थान ईसाई मिशनरी चलाते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम और दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो अगर कन्वर्सन ही होता है शिक्षण संस्थानों में, जैसे बीजेपी और आदर्श से बोलता है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो ईसाई का होना चाहिए, सबसे ज्यादा नहीं फिर भी कम से कम 10% होना चाहिए।
तो वो तो 51 में भी दो था, झारखंड में 51 में भी चार था, अभी भी चार है, कहां का निवर्तन है? तो ये सब चीज को आदिवासी कैसे जानेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारा चीज को, बौद्धिक क्रांति आएगी तो हर एक चीज को सोचेगा कि कहा जा रहा है, कितना झूठ को सच के रूप में फैलाया जा रहा है। तो आरएसएस जितना भी आंदोलन चला रहा है बीजेपी, वो झूठ का इमारत खड़ा किया हुआ है, तो झूठ का इमारत टूटेगा कैसे? वही बौद्धिक क्रांति से टूटेगा। आज ये इसमें जो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे देशों की सरकारों ने, उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके जो है इंडिजिनस पीपल के सवाल पर उन्होंने अपोलॉजी, पब्लिक अपोलॉजी ली, क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत की पार्लियामेंट को जो है कम से कम जैसे छुआछूत के मसले पर, आदिवासियों के साथ अत्याचार के मसले पर, एक जो विकास के नाम पे जो पिछले 50 साल में 70 साल में हुआ, मेरे ख्याल से 1 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए हैं इस के अंदर, और उनको विस्थापन के बाद कोई जगह, कोई स्थान कुछ नहीं मिला है, मैं उसको एनिहिलेशन ऑफ कल्चर मैं मानता हूँ। क्या नहीं लगता कि हमको ये डिबेट भी स्टार्ट करनी चाहिए कि व्हेन आर यू गोइंग टू अपोलोजाइज इन पार्लियामेंट? बिल्कुल भाई, इनको जो है आज ना कल जो है उनको माफी तो मांगना ही पड़ेगा, बिल्कुल मांगना पड़ेगा। इतना आने की, इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा रिसर्च जो है हम लोग का समूह इसीलिए कर रहा है कि आप नहीं मांगेंगे कहीं ना कहीं, कहीं से भी हम लोग आपको मजबूर कर देंगे। और ये जब आप दलित, आदिवासी, ओबीसी का जो एकता की आप बात करते हैं, तो ये यहीं पे काम करेगा। जिस दिन दलित, आदिवासी, ओबीसी एकता बन जाएगी ना, उस दिन इस देश का शासक को जो है कि मजबूर होकर जो है कि इस देश से, आदिवासियों से, दलितों से माफी मांगना पड़ेगा कि हमने आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ छुआछूत किया, आपके साथ भेदभाव किया। ये इनको करना ही पड़ेगा, आज ना कल करना पड़ेगा। और इसीलिए हम जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये लोग केस करते हैं, ये लोग जो है कि रोकते हैं। जब मैं मिशन सरेंडर किताब लिखा था तो आपको याद होगा, मुझे जो है कि जब लंदन जा रहा था तो फ्लाइट से जो है कि उतार दिया गया, दो दो बार मेरा पासपोर्ट सीज कर दिया। अभी केसेस चल रहे, जो भी करना है ये करें, लेकिन हम कह रहे कि वक्त आएगा आज ना कल भारतीय शासककर्ताओं को आदिवासियों से, दलितों से, कमजोर तबके के लोगों से माफी मांगना होगा। इसमें जो दूसरे लोगों की आप क्या भूमिका देखते हैं? आदिवासी का प्रश्न या उसके सिविलाइजेशन का प्रश्न, क्यों उसकी अपनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए बल्कि और लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपका बात से सहमत हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप जो भी हमारे गैर आदिवासी लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप हमारी लड़ाई में आइए, हमें कहीं से भी दिक्कत नहीं है। कई एक अच्छे लोग हैं जो लड़ाई में, संघर्ष में साथ है। दिक्कत कहाँ हो रही है? जब वो लीडरशिप लेना चाहते हैं। हाँ, ये लीडरशिप के सवाल पर मुझे बहुत दिक्कत है। मैं कहता हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए आज विस्थापन का लड़ाई, सबसे बड़ा आइकन मेधा पाटेकर है, लेकिन मेधा पाटेकर एक हरा हुआ नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ मेधा पाटेकर लड़ाई लड़े, जीते? लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि मेधा पाटेकर ने विस्थापन के सवाल को इंटरनेशनल इशू बनाया, उसके लिए हम उसको जरूर ना, मतलब जो है कि सैल्यूट करेंगे। लेकिन अगर इसको आप जब आप कंपेयर करते हैं ना लीडरशिप को, तो मेधा पाटेकर और कोयलकारों का नेता सोमा मुंडा, सोमा मुंडा ने सरकार को मजबूर कर दिया, कोयलकारों में डैम नहीं बना, कोयलकारों में जो है कि सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन सोमा मुंडा को दुनिया जानता है क्या? तो वो एक आदिवासी है तो उसको नहीं जानेगा, क्योंकि उसके बारे में जो ये जो रेसिस्ट लोग, नस्ली लोग जो बैठे हुए अखबारों में, ये नहीं लिखेंगे, टीवी चैनल में वो नहीं दिखाएंगे। वो किसको दिखाएंगे? मेधा पाटेकर को दिखाएंगे। तो यही तो आपको देखना पड़ेगा। एक प्रश्न ये आता है कि मैं उसको दूसरे नजरिए से देखूं, मेरे कहना कि विस्थापन के सवाल में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सैक्रिफाइस कर दिया। हाँ। लेकिन अगर उनके मूवमेंट को, किसी भी मूवमेंट को अगर हमको देखना होगा, उसने कितने नए नेतृत्व पैदा किए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उनसे भी प्रॉब्लम नहीं, जब नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद कितने तुमने खड़े, मैं बोल रहा हूँ कि मेधा पाटेकर को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने विस्थापन आंदोलन को इंटरनेशनल स्तर खड़ा किया। लेकिन मेरा सवाल वही है कि मेधा पाटेकर ने कितना लीडरशिप बनाया, कितना दलित आदिवासी महिलाओं को लीडरशिप में दिया, क्या उनके ग्रुप से आज कोई आ सकता है और झारखंड में जो है कि बहुत बड़ा जो है कि मैसेज दे सकता है? और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि न सिर्फ मेधा पाटेकर, सारे मूवमेंट के, मेधा पाटेकर है, पीवी राजगोपाल है, ये जितने भी गैर आदिवासी आंदोलनकारी हैं, उनका उनका बिल्कुल उन्होंने पूरा अपना परिवार, अपना जीवन दे दिया, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन हमारा दिक्कत यही है, आप लीडरशिप क्यों लेना चाहते हैं? आप लीडरशिप पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी आपकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आदिवासी समाज
300 साल पहले अपने बल पर लड़ाई लड़ा, तो आज क्यों आप उसको छेक रहे हैं? उसी लिए मैं ये भी कह रहा हूँ, यही तो क्रिटिसिज्म माओस मूवमेंट का भी है। नहीं, माओस मूवमेंट का प्लस हम अरुंधति रॉय को भी मैं इस पर क्रिटिसाइज करता हूँ। हम लोग एक साथ रहे भी, वो झारखंड भी आए, लेकिन उनका आप देखिएगा, ये कहती है, वो लिखती भी है, वो लिखती है कि झारखंड आई थी तो बोली भी कि क्या होता अगर आदिवासियों का, क्या होता अगर माओवादी लोग नहीं होते, यहाँ पे आप आदिवासी नेतृत्व को जो है ना, तो आप कवर में ये कर, आप कैसे ये सवाल खड़ा कर सकते हैं जब आदिवासी नेतृत्व जो है 300 साल पहले से लड़ रहा है अपने बलबूते पर। आदिवासी ही समाज ही है जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, अंग्रेज लोग जो है लिखे बोले कि हम ये बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, भाई झगड़ा क्यों इस चीज को लेकर, और इस चीज पे इतना झगड़ा हो गया समझ लीजिए कि पर्सनल फ्रेंडशिप भी लोगों की हमसे टूट गई। कि कईयों ने कहा कि साहब देखिए ये तो वामपंथी क्रांतिकारी लोग ही हैं जो बेचारे और इसमें आप देखिए ना, आप उसमें भी चले जाइए, और बेचारे आदिवासी के लेकर हमने कहा कि भाई आदिवासी बेचारे नहीं है, और उसको भी आपको दे ले रहा हूँ। नक्सल मूवमेंट भारत में, नक्सल मूवमेंट की शुरुआत किसने की, जान किसने दिया नक्सलवाड़ी गांव में, संताल, ये जंगल संताल। उसके बाद कई जो है कि आदिवासी लोग वहां पे जो जब थानेदार आए, जब आदिवासी और जमींदार के बीच लड़ाई हुआ, उसमें कोई मजूमदार और ये लोग मारे नहीं गए वहां पे, मरा तो आदिवासी ही मरा, थानेदार को मारा भी तो आदिवासी ही ने, लेकिन ये लोग क्या किए, इन लोगों ने थ्योरी दे दिया, और थ्योरी दे दिया तो बहुत बड़े नक्सल आंदोलन के जो है कि थ्योरिस्ट हो गए, और आदिवासी वहां पे दब। यही हुआ इतिहास में, जैसे मैंने आपको कहा आजादी की लड़ाई में आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, गोली किया, वो जो है उसको फांसी पड़ी, लेकिन जो है कि मंगल पांडे जो है आजादी का पहली लड़ाई इतिहास में है। तो ये तो अन्याय हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अरुंधति रॉय बोलती है कि नहीं क्या होता आदिवासियों का माओवादी नहीं होते, आप इतिहास नहीं जानते हैं, अब आदिवासी इलाका में अंग्रेज लोग नहीं घुस सके, उनको यहाँ भी आना चाहिए था, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ को लेके इतना ग्लैमराइज कर रहे हैं आदिवासी कि माओइस्ट नेतृत्व का, वहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, एक कंपनी भाग के नहीं गई, वो भी है, प्लस ये भी है कि अगर माओवादी गए छत्तीसगढ़ ना, तो छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी को बचाने वहां नहीं गए। आप जो है कि राहुल पंडिता ने इस बात को लिखा है अपने किताब हेलो बस्तर में, उसमें स्पष्ट उन्होंने बताया कि इन लोगों को जब आंध्रा में जब इनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, तो इनको जो है कि हाइड आउट चाहिए था, ऐसा सेफ जगह चाहिए था जहां पे वो रिओर्गेनाइज कर सकते मूवमेंट को, ट्रेनिंग दे सकते हैं, तब उनको आइडिया आया वहां पे जो है कि अबुझमार का, और ये जो है उनका डाइनिंग टेबल में ये सब प्लान हुआ। और जब वहां गए तब वहां बैठना है, जब अपना जर बिछाना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब आदिवासियों से बात किया, उनके मुद्दे को धीरे धीरे जाए कि पकड़ा और सॉल्व करना शुरू किया, तब जाए कि वहां पे इसीलिए मैंने कहा कि क्यों झारखंड का आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आदिवासियों का नेतृत्व अपने हाथ में था, और इसलिए उन्होंने सरकार को झुका दिया। बिल्कुल, और मॉडल इधर के आंदोलन बनने चाहिए, यहाँ आपके यहाँ 10 दिन रहो ना जंगलों में, 100 दिन रहो, 15 दिन रहो, तब लिखो। और उसी में आप देखिए ना, जब इसमें मूवमेंट इतना तेज हो गया, तब मैंने देखा कि लेफ्टिस्ट कुछ ग्रुप जो है कि गए हैं वहाँ, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हाँ सीएनपी एसपीटी एक्ट जो है कि वो वापस होना चाहिए, ये समझ रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट लेने की जो हो है ना कि हम भी आपकी लड़ाई कर ये कर रहे, अब सीधा वो देखिए, आप जो सवाल मूल सवाल जो आपने उठाया ना, दिक्कत यही है कि जो साथी आते हैं ना वो फ्रंट में जो है कि क्रेडिट लेने के लिए जुट जाते हैं। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि चलो कुछ सारा आप लड़ लीजिए साथ में आकर के, तो तब आगे आइए, लेकिन स्टार्टिंग में ही आके तुरंत झंडा फ्रंट में होना चाहिए, वो एक उसको शायद हम लोगों को, मैं सबको दिल्ली में भी बोलता हूँ कि कुछ समय तक आप पीछे भी बैठ के रह सकते हैं, आप तो बोल ही रहे दुनिया भर की जगह पे, अब यहाँ पर भी आके आप टॉप पे बोलना चाहते तो वो एक, लेकिन यहाँ देखिए माइक पकड़ के लोग फ्रंट पे रहना, दिक्कत वही है। अगर मान लीजिए कि उसको ऐसे सुन लीजिए या ऐसे समझिए, अगर दयामानी बारला जाके विस्थापन के बारे में इंटरनेशनल फोरम में बोल रही है, सोमा मुंडा इंटरनेशनल फोरम में बोल रहा है, तो कौन जो है कि मेघा पाटकर और बाकी लोगों से सुनना चाहेंगे, है ना। अगर आपने उस दर्द को सुना है, झेला है, तो लोग आपसे सुनना ज्यादा पसंद करेंगे ना कि थर्ड पार्टी से पसंद करेंगे, तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट पार्टी वहां पे जाए। मैं इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब गांधी फाउंडेशन लंदन, जब गांधी फाउंडेशन लंदन ने 2011 में भारत के आदिवासियों को इंटरनेशनल अवार्ड देने का घोषणा किया, तब उस समय में उन्होंने दो लोगों को
उसको रिसीव करने के लिए नॉमिनेट ये मतलब घोषणा किया दो लोगों का, एक गुलू इमाम और डॉक्टर विनायक सेन। मैं दोनों को बहुत आदर सम्मान करता हूँ, उनके काम के लिए डॉक्टर सेन ने बहुत काम किया, लेकिन मैं उस समय विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि जिस देश में 10 करोड़ आदिवासी है वहां आपको 2 आदिवासी नहीं मिला जो वहां अवार्ड ले सकता है। तब मैं एकदम उनका रिस्पॉन्स जो मिला उसको देख के पढ़ के इंडिविजुअली नहीं मिला था ना, नहीं नहीं आदिवासी के नाम पे मिला, वो तो भारत के आदिवासियों को साइटेशन यही था। अच्छा, तो मैं सरप्राइज हो गया कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स में लिखा था कि हमें बताया गया है कि भारत में कोई भी आदिवासी नहीं है जो लंदन आके अंग्रेजी में अपनी बात रख सके। बाप रे, तो आप समझ लीजिए कि जो लोग यहां से बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं आदिवासियों का प्रतिनिधि बन के, वो आदिवासी समाज को वहां कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको जयपाल सिंह मुंडा को पता नहीं था कि वो 2 साल पहले जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ के इंडिया का कैप्टन बन के जा रहा है, मतलब शर्मनाक बात। हां, बहुत शर्मनाक बात है। तब उनको मैंने कहा कि मैं जो लोगों ने कहा जो इस मामले में जो पूरी बात आई वो ये आई कि आप बहुत पर्सनलाइज हो रहे हैं और एक पर्सनल जो फ्रस्ट्रेशन होती है अवार्ड को लेकर के और की चीज को, किसी ने कहा कि भाई जब विनायक सेन को अवार्ड मिल गया तो काहे की दिक्कत आप लोगों को हो रही है। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा तो अवार्ड विनायक सेन को नहीं। हाँ, नहीं नहीं, विनायक सेन जी को आप जो है कि नोबेल प्राइज दे दीजिए ना, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने लिखा था कि भारत के आदिवासियों, तो आप जो भारत के आदिवासियों को दे रहे हैं तो आप डॉक्टर सेन क्यों लेंगे या बुलू इमाम क्यों लेंगे, आदिवासियों को दे दीजिए ना। चलो एक आदिवासी भी रख दो अगर नहीं है तो। तब बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अवार्ड जो है कि आदिवासियों को के नाम को उसी को चेंज कर दिया। अच्छा, तो और विनायक सेन और इनको दिया। तब मैंने दूसरा चिट्ठी इसलिए लिखा, मुझे खराब लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ आदिवासी पर डॉक्टर सेन और ब्लू इमाम 2 गैर आदिवासी भारी पड़ गए। जब आपने घोषणा कर दिया हम भारत के आदिवासियों को दे रहे हैं और चूंकि उनका नाम पर सवाल हो गया तो आप उन दोनों को देने के लिए आप 10 करोड़ को नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने मुझे कहा कोई बात नहीं, ये आपकी समझ है। नहीं, वो तो ठीक है, जो अवार्ड देने वाले हैं उनकी समझ। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप इनको देना ही था तो उनको ही दे देते, आप भारत के आदिवासियों का नाम क्यों लिया। ये किसी भी चीज को जो है जिसको देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब इसलिए मैंने कहा इसका मतलब आपने आदिवासी समाज के साथ अपमान किया, आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने माफी भी मांगा, कहा कि ये हमसे लोगों से बहुत गलती हुई। तब मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसमें लोग क्या बोलते हैं कि बहुत व्यक्तिगत होते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, उस समय में कई लोग मैं जानता हूँ जो लोबी उनके साथ काम कर रही थी पहले, वो लोबी जो है कि हमको बहुत हाथों हाथ ले रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, ग्लैडसन को हम लोग अपना गोदी में खिला सकते हैं, जो बोलेंगे सुनेगा। लेकिन बाद में जब मैंने इस मसले पर आवाज उठाया तो फिर वो लोग मुझे पूरा नेग्लेक्ट कर ये भी हो, ये भी बात उठाते हैं वो भी ग्लैडसन के पर्सनल इश्यूज हैं। हाँ। और पर्सनल इश्यूज को जो है जैसे पासपोर्ट के हैं और चीजों के। हाँ। तो बोलते हैं पर्सनल इश्यूज ज्यादा हैं उनको। हाँ। पब्लिक कर रहे हैं कि भाई। हाँ। गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई पर्सनल इश्यूज है नहीं। ये लोग शुरू में भी उन्होंने बहुत क्लियर है, अंदर में भी आईबी के लोग, अंदर अपने लोग भी है ना, उन्होंने बहुत कहा, स्पष्ट कहा कि आपको पासपोर्ट जो लिया गया है इसलिए लिया गया है कि सरंडा में आपने इंटरनेशनल ऑपरेशन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। हाँ, क्योंकि सरंडा में इस चीज को लेकर जब आपका आपका आया था, नहीं नहीं, तो उस पे खुद कुछ लोगों ने जो है, वो तो आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमको भी लिखा और उन्होंने कहा कि जी उनके जो है पर्सनल इश्यूज हैं कोर्ट के, उनके खिलाफ में जो है कुछ वारंट्स हैं और कुछ। मेरा ये जो है इसका कोई सवाल ही नहीं था पर्सनल इश्यूज का, इस पासपोर्ट के सवाल पर दोनों में। पहली बार 2013 में ये किया था, नोटिस दिया था, 14 में ले लिया था पासपोर्ट। उस समय में दो रीजन से, एक नगरी मूवमेंट की वजह से लिया था और एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से, और दूसरा बार जो लिया जब लंदन से ऑफलोड किया गया था मैं, उसके बाद ये जो मिशन सरंडा बुक जो है ये लंदन में लॉन्च हुई थी। अच्छा। तो दूसरी बार फिर मैं जा रहा था, बल्कि तीसरी बार जा रहा था, तो पर्सनल इश्यूज होते तो पासपोर्ट थोड़ी वापस दे दे। इसके बाद क्या हुआ, ये मसला जब आया तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जयराम रमेश जी को, क्योंकि जयराम रमेश हाउस में उठाए, तो राज्यसभा में उठाए, उसके बाद फिर इंटरनेशनल दबाव भी पड़ा, हमारे लंदन के ग्रुप में उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, वहां के जो एम्बेसी से मिला जी, तो एक महीने के अंदर पासपोर्ट वापस दे दिया। जब पर्सनल इश्यूज है तो पासपोर्ट वापस क्यों देंगे। तो ये है कुछ, आप
हर एक होता क्या है कि आप दुश्मन बनाते हैं खुद के, आप जितना आगे उठेंगे तो दुश्मन आपके बनेंगे, जलते भी हैं। तो होता है कि अधिकतर लोग जो है कि पर्सनल इश्यूज वगैरह उठा के शूट करने की कोशिश करता है, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। इसलिए मेरा तो अपना कमिटमेंट है, आज भी मेरा कमिटमेंट है कि आज भी देखिए अगर मेरा मेरा पर्सनल इश्यूज पे अगर मेरा फोकस रहता तो इतना लड़ाई में नहीं लड़ता। अभी 2-3 साल में मैंने इतना सारे लिखे लिटरेचर, मेरे ऊपर केस हो रहे हैं, उसके बाद सीएम के एसपीटी, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ समाज के लिए लड़ूंगा। थोड़ा सी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ बिफोर आई एंड, क्योंकि बहुत बड़ा चीज था कि आप संघर्षों से ही आए, फैमिली लाइफ आपकी पूरी संघर्ष पे है। मैं उस संघर्ष को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से जब किसी को आज देख करके लोग कुछ बोल देते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया था। क्योंकि आपका घर, आपकी माँ बाप और पूरा जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा सी आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, यूजुअली मैं व्यक्तिगत बात बहुत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब लोग सवाल उठाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि लोग उस व्यक्ति के बारे में भी जाने कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा परिवार जो है ना, अगर पूरा पीछे जाएंगे तो काफी समृद्ध परिवार था। मेरा मेरे दादाजी वो टीचर थे उस जमाने में, सोशल वर्कर भी थे, काफी एरिया में नाम था। लेकिन उस फिर उनके दो बेटे थे, मेरे पिताजी छोटे और उनके बड़े भाई। हुआ क्या कि हमारा घर जो है कि सिमडेगा में केलाघाट डैम, आपने सुना होगा, केलाघाट डैम से सटा हुआ बिरनी बेड़ा गांव है। तो वहां से जब मेरे दादा जी को नौकरी लगा तो वो चले गए लठा कमाने गांव है। अच्छा। तो वहां पे नौकरी कर रहे थे, टीचर थे, काम भी कर रहे थे। उसी टाइम वहां पे थोड़ा जमीन खरीदा 10 एकड़ जैसा। उनका ये आइडिया था कि दो बेटा है तो दोनों जो है कि अलग अलग जगह पे बसाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी, स्वाभाविकता की जो अपनी ये रहती है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे जहाँ शिक्षण कार्य कर रहे थे वहाँ पर जमीन कम थी, यहाँ जमीन ज्यादा थी। लेकिन 1980 में डैम बना, जिस साल मैं पैदा, मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, मैं वहाँ नया जगह पे पैदा हुआ, लेकिन हमारा पैतृक गाँव का जमीन, खेती का सारा जमीन डूब गया डैम में। अच्छा। और हम लोग को मिला नहीं बहुत, तुम थोड़ा बहुत पैसा मिला, कंपनसेशन दिया ही नहीं। आजकल भी केस चल रहा है, पता नहीं कब इस देश में जो है कि केसेस में न्याय मिलेगा, कानून मुश्किल है। तो उस समय में मजबूर होके मेरे पिताजी को भी फिर वापस वहां पर जाना पड़ा। दादाजी के डेथ होने के बाद नेचुरली जो है कि परिवार में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है जमीन को लेकर। आप एक एक भाई के लिए खरीदा था, वो जमीन में दो हिस्सा हो गया, तो उसकी वजह से हमारा परिवार जो है कि बहुत बुरा स्थिति हुआ। और उस समय में अनुकंपा में नौकरी मिलता था, तो मेरे बड़े पिताजी को नौकरी मिला, उनका परिवार जो है कि नौकरी थी और थोड़ा जमीन तो संभाल गए, हम लोग संभाल नहीं पाए। हमारा स्थिति ऐसे हो गया उसके बाद कि मतलब क्या बोले, घर में खाने के लिए नहीं है। हमको याद है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी जंगल से लकड़ी लेके जाते थे, बेचते थे, तब जाके है कि घर में भोजन आता था। कभी कभी हमारी बहनें जंगल जा रही है, केंदु है ना, उसका बीज निकल रही है, उसको साफ कर रही है, फिर हम लोग भाप के खा रहे हैं। ऐसे भी सिचुएशन आया उसी समय में। फिर मेरे पिताजी के ऊपर केस भी हुए वन विभाग, तो केस होना हमारा बैकग्राउंड में है। वन विभाग ये कहते हुए कि नहीं ये पेड़ काट दिया, तो आजीविका तो आप ढूंढेंगे ना। मेरे पिताजी को पुलिस भी आया, मैं खुद देखा हूँ कि उनको पुलिस रात में पकड़ने के लिए आए, वो घर में नहीं थे, तो मेरी माँ भाग रही है, गिर के उसका हाथ भी टूट गया, हम लोग भाग रहे हैं पूरे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रात में जंगल में तितर बितर हो रहे हैं, इसे स्थिति हमने देखा है। अंत में जो है फिर भी मेरा पिताजी का था कि आप किसी भी स्थिति में रहिए लेकिन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए ऐसा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उनके साथ गुजारा हूँ, तो बात करते रहते थे, जंगल जाते थे साथ में लकड़ी लाने के लिए, फिर उसको बेच के ला रहे हैं ये सब। एक एक दिन मैंने ये भी देखा कि घर में पकने के लिए सुबह नहीं है, पिताजी लकड़ी लेके गए 12 बजे तक, वहाँ गांव से सोचिए कि 17 किलोमीटर लकड़ी बेचेंगे, फिर चावल खरीदेंगे, फिर आएंगे, फिर चावल पकेगा, उसके बाद आपको खाना है। लेकिन एक ध्यान था कि पढ़ना है, उन्होंने हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया जितना वो कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे गाँव का भी एक जमीन का लड़ाई था, तो उस केस को कोर्ट में ले गए, वो मुंशीगिरी भी करने लगे बाद में कोर्ट में, उनको काफ़ी जानकारी था। तो मुंशीगिरी करते हुए वो लड़ाई जीत के
जीत गए तो जो दूसरा पार्टी था ऑपोजिशन पार्टी उनकी संख्या ज्यादा थी। 20 जून 1990 मुझे डेट भी याद है, जब वो जा रहे थे कोर्ट सुबह में लगभग 7 बजे आसपास, तो हमारा गांव से बीच में घाटी पड़ती है, जंगल पड़ता है सिमडेगा जाने के रास्ते में, तो उसी में सुबह में माँ बाप दोनों को उन्होंने हत्या कर दिया। हाँ 1990 में। उसके बाद वहाँ से हम लोग को पूरा परिवार को, चारों भाई बहनों को गाँव छोड़ना पड़ा, जो कि हम लोग छोटे छोटे थे। मैं मुश्किल से 8 क्लास में था, 12 था, तो आप लोग साथ में नहीं थे, वो अकेले जा रहे थे, मतलब दो माँ पिताजी दोनों अकेले जा रहे थे। अच्छा। साइकिल में, तो उनको दोनों को हत्या कर दिया। उसके बाद हम लोग चारों भाई बहन को अलग कर दिया गया, क्योंकि कौन कहाँ हम लोग रहते गाँव में, चार लोग ना खेती अब कर सकते ना कुछ, तो एक रिश्तेदार एक को ले गया, दूसरा को दूसरा, तीसरा को दूसरा, ऐसे मतलब फिल्मी स्टाइल में हो गया हम लोग का जीवन। फिर वहां से फिर मैं आया, चूंकि मेरे पिताजी मतलब जाने माने थे उस इलाके के, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो लोग जान। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? 8वीं क्लास में। अच्छा। तो स्कूल में पता चल गया, हेडमास्टर का सब लोग जान गए, जैसे उनकी हुई वो जान गए कि नहीं उसका बेटा है, बल्कि तो हमको जो है कि हॉस्टल में रखा गया। लेकिन हॉस्टल में भी फिर झगड़ा होने लगा, जो लड़के लोग पीते थे उन्होंने बदमाशी वो लोग करने लगे, मुझे पढ़ने में दिक्कत करने लगे, तो फिर मैंने उनको शिकायत कर दिया हॉस्टल वार्डन, तो फिर ये लोग कहने लगे कि नहीं आप मुफ्त में रहते हैं और हम लोग के खिलाफ शिकायत करते हैं। तो मेरा शुरू से ही रहा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना, अन्याय के खिलाफ बोलना है। तो लड़के लोग पी के आते थे और बदमाशी करते थे, रात में पढ़ने में डिस्टर्ब करते थे, तो मैं शिकायत कर दिया। तो फिर जब ये लोग बोलने लगे कि आप मुफ्त में रहते हैं, तो मैं शुरू से आइडेंटिटी के सवाल पर, डिग्निटी के सवाल पर बहुत मेरा ये है, तो मुफ्त में रहते हो बोले तो मैं फिर छोड़ दिया। फिर मैं हॉस्टल से गाँव गया, गाँव गया, फिर वहां से फिर 9वीं की पढ़ाई की गाँव से, फिर वहां मैंने सब कुछ किया, गाँव में खेती करना, यहाँ तक कि अपना किताब खरीदना है, ड्रेस खरीदना है, तो मैं महुआ चुनने जाता था, लाह वगैरह था वो सब लेके आना। फिर उस समय में ज्वार रोजगार योजना होता था, वहां भी मैं छुट्टी के समय में काम करता था अपने लिए, और लोग जानते थे इसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, तो छोटा होने के बाद भी काम करवाने वाले लोग लगा देते कि चलो कोई बात नहीं, इसको मतलब पढ़ना है, लेकिन एक ध्यान था कि एकदम पढ़ना है, तो लगातार पढ़ता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मेरे पास उस साल क्या हुआ कि 250 रुपये मैं जुगाड़ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। कॉलेज में एडमिशन नहीं कर पाया, तब मैं क्या करेंगे, पद एक साल उस साल बेकार गया। तब मैं साइकिल मिस्त्री का काम करने लगा। अच्छा। कि साइकिल मिस्त्री का, ताकि जो है कि कुछ पैसा वहां से आ जाए, साइकिल मिस्त्री का काम किया। उस दरमियान मेरे बड़े पापा के यहाँ के रहता था, तो उनका वो भैंस भी चराने जाता था। लेकिन उस समय मैं याद करता हूँ, उस समय मुझे अंग्रेजी पढ़ने की बहुत शौक थी, क्योंकि पेड़ के नीचे हम लोग पढ़े, हमारे गांव में पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी अंग्रेजी, और मिशन स्कूल में पढ़ने का बहुत शौक कभी, लेकिन चांस नहीं मिला। जब एडमिशन नहीं हुई तो मेरी दीदी पटना में रहती थी, वो एकता परिषद में काम करती थी। अच्छा। उसको पैसा बहुत कम मिलता था, 900 रुपये मिलता था। अच्छा। तो जब गांव गई तो किसी ने कहा उनको कि तुम अपना भाई को ले जाओ बाहर, नहीं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके बाद रोज दिन देखते हैं खेत में काम करते रहता है, तो कभी कौन महुआ बेच रहा है तो क्या कर रहा है, तो मुश्किल। तो फिर मेरी दीदी वहां से मुझे पटना ले गई। अच्छा। लेकिन पटना में ले गई, उसके बाद वहां पे उनके पास पैसा नहीं था कि मुझे रेगुलर कॉलेज भेजेगी, तब एडमिशन तो करा दिया उसने, लेकिन वही है कि क्लास नहीं जा सकते, क्या करेंगे। तब उनका जो एकता परिषद का अपना जो संस्था जिसको सपोर्ट करते, उनका लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी में मैं बैठ के पढ़ने लगा तो प्रदीप प्रियदर्शी जी उस संस्था के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने 6 महीना के बाद कहा कि तुम लाइब्रेरी में बैठते हो ऐसे भी, और उस समय मेरा इतना था कि मैं पूरा ऑफिस को झाड़ू लगाना, लेट्रिन साफ करना, ये सब मैं बहुत करता था। अच्छा। तो वो देख कोई आए तो चाय बना के पिलाओ, ये सब करता था। तो उनको लगा कि लड़का को बहुत इंटरेस्ट है शायद, मुफ्त में इतना कर रहा है, क्योंकि उनके वर्कर भी इतना नहीं करते थे जिनको पैसा दे देते, तो मैं इतना कर रहा था, तो उनको शायद लगा कि इसको रखना चाहिए, तो लाइब्रेरी में रखा। बोला कि तुम लाइब्रेरी संभालो और जो भी करते हो साफ सफाई सब सब कुछ करो, चाय वो पिलाना है सब सब करो, तुमको 500 रुपये देंगे। अच्छा। तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो 500 कमाऊंगा तो दीदी पर थोड़ा सा भार कम हो जाएगा। 500 रुपया हर महीना मिलने लगा। फिर मैं टाइपिंग ज्वाइन कर लिया, फिर अंग्रेजी का कोचिंग ज्वाइन कर लिया 6 महीना। अच्छा। वहां से थोड़ा इंग्लिश सीखा,
लेकिन बहुत नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा सीखा इसे करके, लेकिन कॉलेज रेगुलर कॉलेज जाने का कभी मौका नहीं मिला, कभी नहीं गया। फिर पास कर लिया, पास करने के बाद उसी बीच मूवमेंट से भी जुड़ गया, फिर धीरे धीरे फील्ड जाने लगा, तो मैंने मुसाहरों के साथ देखा कि मुसाहर लोगों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार, इतना अनटचेबिलिटी, उस समय मैं छुआछूत वगैरह का नहीं, तो हमारे यहाँ कभी हमने नहीं देखा छुआछूत, भेदभाव, लड़का लड़की में सब कभी नहीं देखा। पटना जाके मैं दंग रहा कि मेरी दीदी जब साइकिल चलाती थी लोग बोलते थे ये लड़कियों के कैसे साइकिल चला रहा है, तो ये सब देख के मुझे लगा है। और मैंने यहाँ तक देखा कि लोग जो है कि एक घर में देखा एक बेटा है बेटी है, बेटा को दूध दे रहे हैं और बेटी को नहीं दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगा कि कैसे भाई, जिसने दोनों बच्चा को पैदा किया एक को दूध दे रहा है एक को नहीं दे रहा है। तो उस समय में ना ये भेदभाव अत्याचार मैंने खूब सीखा। उसी टाइम में मैंने देखा कि जो लोग खेत में काम कर रहे थे मुसहर लोगों को, उसी के लिए खाने के लिए अलग प्लेट दे रहे हैं और बाहर में कुत्ता जैसे खिला रहे हैं, अपने आंख से देखा, तब मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर उस समय में भोजपुर गया, भोजपुर में पहली बार नक्सल लोगों से मिला, जब ये गांव में दलितों के साथ मिले, वहां तो दलितों के साथ हम काम करते थे, दलित को मैं खूब समझा उस समय, तो जब दलितों के साथ काम कर रहे थे तब उस समय में ये पीडब्ल्यूजी वाले ने हमको घेर लिया 15 लोग और एक रूम में बंद कर दिया। तो हम डर गए कि भाई क्या कर रहे हैं, तब ये लोग पूछा हमको क्या कर रहे, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि मैं देखिए दलितों के साथ काम कर रहा हूँ, इसे जाति को लेकर भेदभाव होता है, अत्याचार होता है इनको, तो और एक बड़ा केस था जिसमें हम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला। एक बार ऑफिस में कोई नहीं था तो एक अपर कास्ट के लोग, एक दलित जो महिला है उसको मार के उसका जो है कि पैर तोड़ दिया था, और इसलिए मुझे याद आता है तोड़ दिया था कि शायद उनका खेती से संबंधित ही कुछ, या तो उनका कुछ कुछ तो हुआ था, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन उसको पैर तोड़ दिया था। तो लोग जो है कि ऐसे बिस्तर में करके खटिया कुछ बनाया था, उसमें खटिया में शायद मुझे याद आता है लेके आए हम लोग ऑफिस, उस टाइम में कोई नहीं था, क्या करेंगे। तब जो है कि हम बोले कि चलो देखा जाएगा, इन लोगों को मैं बोला कि चलिए आप लोग उसको ढोके नौबतपुर थाना, नौबतपुर आपको याद होगा पटना, शायद सुना होगा आपने, नौबतपुर ले गए, नौबतपुर थाना लेके चलिए, मैं पीछे से साइकिल से आता हूँ। मैं ऑफिस बंद किया और साइकिल से चल दिया। जैसे थाना गया तो थाना में लोग FIR दर्ज नहीं करना चाहते, आप जान ही रहे चूंकि जमींदार ने उनको पीटा है, पैर तोड़ दिया, क्या किया जाए। तब है कि मैं गया तो थानेदार बोल रहा है कि उसको बुला, कौन है आप, हपन कौन लड़का है। मैं गया, हाँ सर बोलिए, नहीं इनके साथ ऐसे हुए FIR दर्ज करना है, तो उनके साथ भसा भसी हो गया, तो उसको लगा ये हपन पहनने वाला आदमी जो है लड़का जो है कि छोटा सा है और कैसे बहस कर। लेकिन अंत में उसमें सफलता ये मिला कि मैं आर्ग्यूमेंट किया बिना डरे, डर भी लग रहा था क्योंकि पुलिस के साथ पहली बार काम कर रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन मैं देखा जाएगा आर्ग्यूमेंट किया, थानेदार से डरा या क्या हुआ, FIR कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो जब ये दलित लोग डर रहे थे हमको लेके गए, FIR हो गया तुरंत जो है कि, फिर इन लोगों को बगल में हॉस्पिटल था, तुरंत जो है कि हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उनका इलाज वगैरह चालू हो गया। तब जिनके खिलाफ हुआ केस वो लोग आके हमको ऐसे देख रहे हैं, हमको थोड़ा धमकाने का वगैरह का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में मतलब आप जब बैकग्राउंड नहीं जानते हैं ना तो इतना डर नहीं लगता है, तो मैं जमींदारों की तरह बैकग्राउंड जानता नहीं था तो डर नहीं लगा। हम बोले ठीक है हम घर चले आए, तो उस समय फिर ऑफिस में बाकी कार्यकर्ता लोग भी आए, तो फिर हुआ लोग बोले कि अरे ये FIR करवा दिया, बहुत एक तो तारीफ होता है ना, एक छोटा सा लड़का जो इतना FIR करा दिया यहाँ जहाँ पे दबंग लोगों का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से बड़ी कॉन्फिडेंस हुई। और उसके बाद हमको फील्ड भी ज्यादा डायरेक्टर भेजना कि नहीं तुम आप फील्ड जाओ। कितने साल तक इतना परिषद कम से कम 5 साल जैसा हम रहे वहाँ पे, रह के अपना पढ़ाई भी जारी रखा, बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहा था, फिर उसके बाद इंटर वगैरह कम्प्लीट किए और फिर कंप्यूटर वगैरह सीखे, लेकिन कंप्यूटर वगैरह भी मतलब सीखे वो बहुत चैलेंजिंग सीखे। उस समय में कंप्यूटर सीख रहे थे तो एक संस्था के डायरेक्टर हमको बोले, ये प्रदीप जी नहीं और एक संस्था में, उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर यहाँ से कैसे सीख पाएंगे, बहुत सारा अड़चन आया। वो तो बहुत बिल्कुल मैं छोड़ा। फिर एक फादर है, फादर क्लिप मंत्रा, उन्होंने कहा कि तुम टाइपिंग जानते हो, हमारा टाइपिंग करो और बाकी टाइम में थोड़ा कंप्यूटर सीखो, तो थोड़ा पैसा 1000 रुपया देते थे। उस समय मैं सोचता कितना चैलेंजिंग लाइफ, आपको 1000 रुपया मिल रहा है, आपको रेंट भी देना है, कंप्यूटर के फीस भी देना है, लेकिन जज्बा है करने का। तो मैं 6 महीने में कंप्यूटर सीखा, लंच टाइम में जाता था सीख के आता था, ये सब करके मैं फिर
नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज जो है ना, इनका इसमें मुझे पढ़ने के लिए मिला, वो मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। उस समय मैं गया वहाँ, लेकिन तब तक मैं लिखना शुरू कर दिया था, बहुत नहीं फिर भी लिखना शुरू कर दिया था पुणे में। लेकिन वहां मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा था, बहुत नहीं जानता था, थोड़ा टूटा फूटा टाइप का। वहां पे लेक्चर डॉक्टर ज्ञानम प्रकाश दे रहे थे एंथ्रोपोलॉजी में, मैंने जीवन में एंथ्रोपोलॉजी सुना ही नहीं, अब कभी कॉलेज गया नहीं ना मैं तो सब घर पढ़ते कर रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी, और लेक्चर दे रहे अंग्रेजी में। बाकी सारे हमारे कलीग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कॉलेजों से पढ़ के आए हैं, अब क्या करेंगे। एक दो हमारे दोस्त थे जो इस बैकग्राउंड में थे, प्रदीप मोरे, आप शायद मिले होंगे, तो ऐसे इन दो लोग तो कमजोर बैकग्राउंड से, फिर भी वो लोग कॉलेज पढ़े थे, मैं तो एकदम नहीं पढ़ा था, खाली डिग्री मेरे पास था, मतलब डिस्टेंस का। फिर हमको लगा कि आप तो गए हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस दिन मैं घर जाने के बाद डेरा में सोचता रहा रात भर क्या करेंगे। फिर मैं सोचा नहीं, ये ही गोल्डन चांस है, अगर हम गिव अप करते हैं मतलब हम खत्म हो जाएंगे, अगर हम चैलेंज लेते हैं तो हम पूरा बना लेंगे। तब उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि एकदम हिंदी छोड़ना है, खाली इंग्लिश ही पढ़ना है साल भर। छह महीने के बाद मैंने अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिखा। अच्छा, उसका टाइटल था अ वर्ड कॉल इक्वालिटी, वो भी दलित राइट्स के ऊपर, क्योंकि दलितों के साथ काम किया था तो ज्यादा ही था। और उस समय आप याद करते हो झाझर में दलितों को लिंच किया गया। हाँ, और उस समय 2002 के आसपास, 2002 तो दो में ही, तो उस समय मैं, हाँ दो का घटना था, तो मैं तीन में लिखा होगा, छह महीना के बाद। तो मैं लिखा, लिखने के बाद ये जो है जोन दयाल उस टाइम इंडियन करेंट्स के एडिटर होते थे, और मुझे जोन पता नहीं था, तो इंडियन करेंट्स में छपा हुआ नेशनल मैगजीन था, तो काफी वाहवाही हुई वहां पे, जोन सामुएल वगैरह इतना वाहवाही किए, बाकी लोगों को बोले आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, कुछ नहीं लिख रहे, ये लड़का पेड़ के नीचे से पढ़ा और आया और यहाँ अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहा है। फिर वहां से फिर मैं उड़ीसा गया डिजर्टेशन के लिए, छह महीने जंगल में रहा, वहां पे फॉरेस्ट राइट्स को लेके मैंने रिसर्च किया और डिजर्टेशन अंग्रेजी में ही लिखा। लेकिन उस समय में फिर आरएसएस के लोग पीछे पड़ गए, वहां जैसे जिन गांव में था वहां क्रिश्चियन लोग नहीं थे, पूरा हिंदू धर्म मानने वाले आदिवासी थे, संताल लोग, मुंडा लोग, तो यार एसएस वाले पीछे पड़ गए, अखबार में छपवा दिया, 10 गांव मेरा था कि उनका नाम कि यहाँ पे कन्वर्सन शुरू होगा, और लोग मेरे पीछे इतना पड़ गए। दिसंबर के टाइम में जो कि मेरा रिसर्च का काम था, मैं घर वापस नहीं आया, तो लोग कहने लगे कि 25 दिसंबर को सब क्रिश्चियन लोग गांव जाता है, आप नहीं जा रहे हैं। और उस दिन हम लोग एक मीटिंग किए तो पार्टी भी हो रही थी, बोले कि देखिए आप लोग क्रिसमस मना रहे हैं, तो इतना पीछे पड़ गए। और ग्राम स्टैंड वाला केस हुआ था, तो मुझे थोड़ा वहाँ डर लग गया कि नहीं लोग शायद जिंदा उंदा जला देंगे, रोज दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ से झारखंड वापस आया, नहीं तो मेरा था कि वहाँ, चूंकि आदिवासी लोग रह रहे थे उनको वन अधिकार नहीं मिला था, रिजर्व जंगल में रह रहे थे, तो मैं उनके लिए अधिकार के लिए लड़ूंगा। वो लोग लड़ रहे थे, हम लोग रैली धरना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब तक उनको अधिकार नहीं मिले तब तक रहेंगे यहाँ। लेकिन अभी अच्छा हुआ कि वन अधिकार आने के बाद उनको अधिकार मिल गया। झारखंड आने के बाद में फिर उस समय चूंकि एकता परिषद थी, तो हम सोचे कि चलिए इनके साथ ही रहा शुरू किया जाए। तो साइकिल यात्रा हम लोगों ने एक महीने का किया, भोगना डी जो सिद्धू कानू का, वहां से रांची। तो उस समय में बोकारो में, उस समय संथाल परगना में जो विस्थापित है उन लोगों से मिले, तो मुझे तब मैं अपना स्टोरी जोड़ा कि मतलब इसी तरह हमारे हमारा परिवार भी विस्थापित हुआ, और हमारा परिवार इतना बर्बाद, यही विकास इस देश का विकास के नाम पर हुआ। हाँ, आज आज तक अभी आप कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? पुस्तकें ये लगभग हमको लगता है कि 15 पुस्तक हो गया है। कितनी इंग्लिश में है? इंग्लिश में 3 पुस्तक है और अधिकतर हिंदी में लिख रहा हूँ, बहुत जरूरी है, छोटी पुस्तकें भी लिख रहा हूँ ताकि गाँव वाले समझे। तो उस समय में जब विस्थापित लोगों को देखा ना, तब अपना स्टोरी मुझे कनेक्ट में किया, तब मैं वहां भी गया, तब मैं देख क्या देख रहा हूँ कि 3 गांवों को विस्थापित किया, हमारा जो किला घर, हमारा गांव जहाँ है किला घर गेम से, वहां पे आज की तारीख में मात्र 1 गांव को पानी मिल रहा है मुश्किल से, और सारा पानी जो है कि सिमडेगा के लोगों को, सिमडेगा टाउन के लोगों, दिकू लोग को मिल रहा है पीने के लिए। तो यही सब जगह का हाल है कि आदिवासी को उजाड़ो और दिकुओं को फायदा पहुंचाओ। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, आप
झारखंड में बैठ के आदिवासियों को मुद्दे उठाना है तो कैसे उठाना है, तब मैंने मानवाधिकार का सवाल उठाया, गांव गांव जंगल जंगल जाके फैक्ट फाइंडिंग करना, उसको जो है कि कोर्ट में केस करना, समय आपको जो है कि कमीशन के पास ले जाना, वो एक बड़ा इंटरवेंशन का सवाल, विस्थापन आंदोलन में जाना, लोगों को भी जागरूक करना, मोबिलाइजेशन का करना, उसके साथ साथ लिटरेचर डेवलप करना, लिखना इसको। और इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि दुनिया के लोग जाने, क्योंकि बाहर में क्या है, बाहर में भारत सरकार सिर्फ ग्रोथ स्टोरी बताता है, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है उसके पीछे कितना दर्द आपने, कितना आदिवासियों को दर्द दिया है, वो भी दुनिया को जानना चाहिए। इसलिए मैं अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन अकाउंट भी बिल्कुल। और ये भी मैंने देखा, लीडरशिप में भी देखा कि दूसरे लोग लिख रहे हैं तो उनको जो सुनते हैं देखते हैं वो लिखते हैं, लेकिन वो तो खुद नहीं झेले है ना, तो जो हम लोग लिखेंगे जो हमारे साथ हुई है हो रही है उसमें, और उस वो लिखेंगे उसमें बहुत फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से हर प्रकार का साहित्य आना चाहिए, हर जगह है, बहुत स्पेस है बिल्कुल, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो समुदाय के लोग हैं उनकी भी बात आनी चाहिए, उनके जरिए भी आनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्लैडसन जी, मुझे उम्मीद है पूरा जी आपके जीवन के संघर्ष की कहानी से बहुत सारे लोग कुछ प्रेरणा भी लेंगे, और झारखंड आंदोलन को आप जो है जिस तरह ले जाना चाहते हैं बौद्धिक क्रांति करके, क्योंकि बौद्धिक परिवर्तन के बगैर कोई भी राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं है, और ग्लैडसन उसी दिशा में काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस काम पे लगे हुए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद। जवाब जवाब।